राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। एक एक करके सब है बरचात हैं, हर तरफ लाश ही लाश, न जाने ये सिलसिला कब थमी। आखिर इतने लोग काहे मर रहे हैं, का बिगड़ा है हमने लोगों का? पूरा गांव शमशान बना जा रहा है, का कोई नहीं है जो बचा सके? ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवरवर्धनम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवरवर्धनम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। सौ 80 लोग मारल गईल हैं और गांव में कुछ ही लोग बचल हैं। हे शिवा, नौ ग्रह, 12 राशि, स्वाति नक्षत्र में जन्मे, वो रक्षक के यहां लावे के पड़ी। जाओ को ढूंढ, ले उत्तर दिशा की ओर जा, जा जल्दी। ईतो का रास्ता दिखाई, उको लेकर आना भुजंगा, लेकर आना। जा, देर मत करी हो, जल्दी जा। पहचाने कैसे? उका मुखमंडल बहुत ही तेजस्वी होई, उके प्रकाश में चक्षु अग्नि के समान होई। उके आने से धरती कांपे लागी। कहाँ मिलेंगे वो? उत्तर दिशा की ओर से आई हैं, हम सबके रक्षक पंचभूत के स्वामी। चारों ओर बवंडर छा जाए, हर ओर आंधी और धुंध होई, मेघों के स्वागत में जोर से बरसी हैं। आकाश से अग्नि ज्वाला प्रकट होई, वो साक्षात तुम्हारे सामने होई है। जिनके स्पर्श मात्र से ही लोगन के कल्याण हो जाए, उनके छुए से तुम्हारे माथे पर रक्त तिलक बन जाए, उनके देख कर मौत भी कांपी, उनके दर्शन से जीवन सवर जाए। जेका देख कर नन्हा बच्चा मुस्कुरावे लागे, जेके छुए से पीतल भी सोना बन जाए, उनके लेकर आजा भुजंगा, लेकर आई जा। मगर ध्यान से आंख न मिले हो, प्रेम से पुकारी हो, अपन सच्चा मन से उनके आते ही चमत्कार हो जाए, सब बच जाई है, गेहूं नहीं मरी। जा, लेके आ जा। नमः शिवाय। नीलकंठाय ओम नमः शिवाय। ये कहा स्वामी जी? रुद्रकाच।
इससे क्या होगा? राक्षसों का विनाश करके गांव वालन की रक्षा करें। शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। चलो यहां से वापस चलते।
स्टॉप 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 स्टॉप, अरे रुको रुको, अरे रुका ना भाई। तो कई लोकेशन कैसा लगा? तंदूर की भट्टी जैसन। जब कारमन होस जानत है, ये वही लोकेशन है जहाँ टाइटैनिक का डायरेक्टर टाइटैनिक बनाने से पहले हल्का होने आया था। का गंदी बातें कर रहे हो? ऊंट के हालात, हम कुछ नहीं जानते, हम टाइटैनिक पार्ट टू बना के रहेंगे बस। रेगिस्तान में टाइटैनिक? और नहीं तो का, एक बड़ी सी नाव लेकर आनी होगी, फिर हीरो हीरोइन दोनों को उमा बिठा के डुबाना ही तो है, फिर बजट के बचे हुए पैसों से ऑस्कर खरीद लेंगे। जैसे फिल्म फेयर खरीदत है। वाह, गोबर की खुशबू, पानी नहीं मिला तो इसी में डुबोएंगे। तनिक सोचो, गोबर में लिपटा हीरो, तब तो यह कहीं होगा। अरे भागो रे, भूत आई कला, जल्दी गाड़ी में बैठ। अबे हमरी तो कबर ही बन गई थी। हमका हीरो को डुबाना था, तुम जमीन फाड़ के निकल आए। हमका लगा लाश उठ के खड़ी हो गई। अरे पर रात को तो जमीन के ऊपर सोए थे, यानी कि जमीन तुम्हारे ऊपर आ गई। अच्छा तो अब समझे, यही खातिर बड़े बूढ़े रेत पर सोने के लिए मना करते हैं। चलते हैं भैया, चलते हैं। आखिर तुम हो कौन भाया? अरे हम भी एक इंसान है भाई, तुम्हारी तरह। अच्छे मास्क वास्क पहनो चंपक लाल। हमारा नाम तुमको कैसे पता? ये पट्टे में जो लटका रखा है, मैं सारा बही खाता लिखा है। अंधे नहीं है, फिल्म बनाने आयो? हाँ भाई, दरअसल हम टाइटैनिक 2 के लिए लोकेशन ढूंढ रहे थे। पुक्का है ना कि रेगिस्तान में लोकेशन फ्री में मिल जाते हैं। अरे रे रे रे, बजट कम है ना, ये हमारे असिस्टेंट है। ए, लंबा चौड़ा आदमी देख के डर गए का? डरपोक डायरेक्टर के असिस्टेंट्स भी डरपोक होते हैं। दिल पे काहे ले रहे हो चंपकलाल, जाके सामान लेके आओ ना, गर्मी। अच्छा चंपकलाल, कुछ पूछे तो बुरा तो नहीं मानोगे? तुमका अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए एक लंबा चौड़ा हीरो तो मिल गया, पर हीरोइन के बारे में क्या सोचे? वो कहा है कि हमका लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं, वैसा नहीं जैसे सोचा थो, हम तो डरी गए थे। वैसे हमरी छोड़ो, अपनी बताओ, यहाँ क्या कर रहे हो? हम वीरान रेगिस्तान में पेट्रोल का कुआं ढूंढ रहे हैं। एक सवाल का भी सीधा जवाब नहीं देते। अरे तुम वो सब छोड़ो यार, ये बताओ कि जैसलमेर के फ्रीडम फाइटर जयसिंह को जाना था? हाँ, हमरे मोहल्ले के हैं। हम उन्हीं के खानदान से हैं। हाँ? जान छिड़कते हम। अच्छा तुम उनके पोते हो का? हाँ, सब लोग हमका प्यार से देव कह के पुकारते हैं। कैसा लगा नाम? अरे एक नंबर है, हमारे दादाजी ने रखा था। ओ, वैसे तुम्हारे दादाजी अब करते कहाँ? कहाँ करेंगे, देश आजाद हुई गवा, करने को कछु बचा नहीं, तो अब देश के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। मतलब बच्चा लोगों को पढ़ाते हैं, उनकी खासियत बताएं। वो हमेशा खुश होने पर बच्चों को इनाम में किताबें या फिर बढ़िया बढ़िया पेन बांटते हैं। दादाजी के यहाँ 2 बाई हैं। पहली वाली टीवी की इतनी दीवानी है कि काम कम नुकसान ज्यादा करते हैं, और दूसरी वाली बाई वो खाने में नमक नहीं बल्कि नमक में खाना डालते हैं। ई है हमरे अम्मा बाबूजी और ई हम। दादाजी प्रोग्रेस रिपोर्ट। अच्छा देखें। 90% नंबर लाने पर भी हमका शाबाशी नहीं, दादाजी की फटकार मिली। ई का 100 में सिर्फ 90, ई हाल रहा तो कैसे इंजीनियर बनोगे? आप चाहत रहे ना कि हम इंजीनियर बने? हाँ तो बन गए ना, कार मैकेनिक इंजीनियर। चलो बढ़िया है, कौनो तो नौकरी मिल गई तुमका। शादी के 1 साल में ही बेटा हुई गवा, उसी वक्त हम तो 6 महीने से काम के सिलसिले में बाहर घूम रहे थे। उका डॉक्टर बनाना है। वैसे हमारी 7 पीढ़ी में आज तक कभी कोई 10वीं क्लास से ऊपर नहीं गया। डोनेशन दे देंगे, पेड़ कोटा में सीट मिल जाएगी। अब क्या है कि कहीं फीस ना देने की वजह से ही डॉक्टर ना बन पाया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारी तरह ड्राइवर थोड़ा ही बनाना है, ये खातिर ही ये कंपनी खोल कर रखे है। वो रही गाड़ी और ये रही चाबी। ये तुम्हारा आईडी कार्ड, काम पर लग जाओ। अच्छा ये कार कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं लग रही? कहो तो मौसा जी की ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाने भेज दें। जोक मारत हूँ। आपसे एक बात पूछेगा, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो पूछो। अरे पूछने का दिल पे मत लीजिए, पैसा थोड़ा ही लगता है। अगर आप काम के सिलसिले में 6 महीने से बाहर थे तो भाभी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? खाली टाइम में हमका टैक्सी ड्राइवर की नौकरी मिल गई। ये काम अच्छा है, किसी को भी जवाब नहीं देना पड़ता है। अरे क्या कर रहा है, बीच से चलना। साइड में तुम्हारी बुआ नाच रही है का? बीच में लो सर। ए भाई, का बैलगाड़ी की तरह चला रहे हो? अगर भगाओगे नहीं तो फ्लाइट नहीं मिस हो जाएगी। हाँ जरूर सर। Ah!
अगली बार आया तो खाने के साथ साथ लीवर और किडनी भी बाहर आ जाएगी। घूमचू पूरे 300 हो गए और साफ सफाई के 100 अलग से। क्या भूतनी के? अबे तुम्हारी तो क्या कर लेगा हा? अबे रोड का तुम्हारे बाप ने बनाया है, देखा? चल बाहर निकल। तेरी तो सामने इतनी बड़ी कार खड़ी है वो भी नहीं दिखाई देती। हम समझ नहीं पा रहे हैं तुम इस पचड़े में पड़े कैसे। जब भी जिंदगी में आफत आवत है ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेते हैं। और हमारी आफत तो पूरी 5 फुट 10 इंच की है। नेहा नाम है उसका, बला की खूबसूरत है, एकदम तीखी मिर्च। का तीखी मिर्च? हाँ, दो धारी तलवार है, कब किस तरफ से घायल कर दे पता ही नहीं चलता। आज तक उससे सिर्फ 4 बार मिले हैं और चारों ही बार तू हमका चारों खाने चित कर दी। मीटिंग नंबर 1, हमारी पहली मुलाकात हुई कॉलेज के कैंपस में। कौन सा कॉलेज? अरे नाम जान के एडमिशन लेना है का? चुपचाप आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। तो हम कहां थे? हाँ, कॉलेज के कैंपस में। और हमारे फोन पर बजी एक घंटी। हेलो, वेलकम टू एस्ट्रो वर्ल्ड। बोलो। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हमारी वो एक मिनट भाई साहब जरा सुनिए। हाँ, कनिक आगे चलेंगे, हमका जरा पर्सनल ओके बात करनी है। थैंक यू। ठीक है जी, 9th अक्टूबर है। 9th अक्टूबर तो आज आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होने वाली है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। हाँ, अच्छा जी, बड़ा खास है। टैक्सी चाहिए का? इस सामान को ले जाके कार में रख। नहीं 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 नहीं, हम उठा लेंगे। कॉफी? नो थैंक्स। ये लीजिए। फ्रूटी? नो थैंक यू। तो फिर थम्स अप। अरे सुनिए ना, अरे चाय पी लेते हैं। सर काला है सर, कुछ भी गरम ले आ। जी ठीक कहते हैं लोग, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। थैंक यू तो दूर, ठीक से देखा तक नहीं। ए भाई तू अपना बेसुरा गाना बंद कर, हाथ जोड़े था तुमरे। ओके। अरे सर। और कुछ नहीं? दिखाई नहीं देता, हमारी कार का सत्यानाश कर दिया। गाड़ी चलाना नहीं आता, काहे चलाती हो? क्या हुआ भाई, काहे गला फाड़ रहे? हमारी कार ठोक दिया। वो तेरी कार ठोक दी? नहीं नहीं, गाड़ी पीछे चली गई। और आप कहाँ चली गई थी? हम तो आगे जा रहे थे। गाड़ी भी आगे ले जानी थी ना। चलो शुक्र है सिर्फ लाइट। अरे खाली लाइट नहीं, पूरी की पूरी डिक्की तोड़ दी, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। कंट्रोल, बदतमीजी नहीं लड़की, हम बात कर रहे हैं ना, सबर रखो। नुकसान की भरपाई कर दे अपना। अरे मैडम पगला गई हो का? देख नहीं रही है, ये चिरकुट आपको लूट लेगा। हम है ना, आप हम पे भरोसा रखिए, ठीक? हम ये कह रहे थे कि अनजाने में हुआ है। हाँ। एक खातिर 500 या 1000 रुपए ले लो और मामला रफा दफा करो। 1000? हाँ। थोड़ा बढ़ा दो ना। नहीं नहीं, ये लड़की हमारी जान है और जान पहचान की भी है, मान जाओ। अरे 1000 का तो खाली लाइट है। ओके ठीक है, हमारी जानू ने बोल दिया है, 100 के 5 नोट और मिल जाएंगे। ठीक है 5 में चल जाएगा, पर वो टैक्सी का क्या होगा? कवन टैक्सी? तुम्हारा मतलब जो सड़कों पर काले और पीले रंग की घूमत है, वही ना? अरे वो नहीं यार, वो जो पीछे ऑरेंज कैप खड़ी है उसकी बात कर रहा हूं। नहीं कह दो कि ये झूठ है। कांच पे ब्लू स्टिकर चिपका है का? हाँ ब्लू स्टिकर चिपका है, पर तुम्हें कैसे पता? कहा है कि हमारी ही टैक्सी है। ये टैक्सी तो हाय रे हाय, का हाल कर दिया। हे भगवान, गाड़ी की तरह हमका भी उठा ले, अब तो हम इका नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे, कहाँ जा रही है? I'm sorry. और जाना कौन भरेगा? हम इका इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। हेलो, वेलकम टू एस्ट्रो वर्ल्ड। हाँ, आप ही बोली थी ना हमारा आज का दिन बहुत ही खास होगा। हाँ मैंने तो बिल्कुल सही कहा था, और साथ ही ये भी बताया था ना कि आज हमारी किस्मत बदलेगी। हाँ कहा तो था, तो बदल गई क्या? हाँ बदल गई पूरी तरह। कांग्रेट्स। तो अब हम भी एक भविष्यवाणी करें का? हाँ बोलिए ना। आज शाम को करीब 6:30 के आसपास। अच्छा? बड़ी ही तीव्र गति का एक जानलेवा भूचाल आवेगा। पर वो क्यों? अरे हमारी जिंदगी खराब कर दी तुम लोगों ने, छोड़ेंगे नहीं। मीटिंग नंबर 2, जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? गैराज। अरे नहीं यार, वो जो मॉल बिल्डिंग के नीचे होता है ना। अच्छा पार्किंग प्लेस। वही हुई दूसरी मुलाकात। ये छिपकली कहाँ जात हो? यहाँ आजा आजा। हाय।
आए ठीक है, जल्दी आ जा। सॉरी, हम तो का पहचान नहीं पाए। वो दिन ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? हमने जानबूझ के नहीं किया था। वो कार वाले ज्यादा चिल्लाते रहे ना, इसलिए हम डर के भाग गए। एक्चुअली वो हमारा पहला एक्सीडेंट था। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहला शीशा, दूसर लाइट, तीसर डेंट, साथी बॉस की 30-40 गाली, कुल मिलाकर 8,950। I'm sorry, I'm very very sorry. हमने कुछ नहीं किया। ये सबसे नहीं बचोगी। हम पैसे दे रहे हैं ना? वैसे कितना भाई? 8,950, राउंड फिगर 10,000 हुए। आपकी नहीं लागत की आपकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। पर हमारा जो खून चूसी है उसका का? अच्छा वो इससे पीछा छू। इसकी तो फिर ठोक दी। अरे बाप रे, ए उतर, नीचे उतर, बाहर निकल, निकल बाहर। सबसे पहले चश्मा उतार, पूरी दुनिया का सत्यानाश करोगी? धन्नो का जनाजा निकाल दिया। तुम्हारा लाइसेंस किसने बनाया? अरे 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 अरे, घूस दिए ना? कितने दिए? घूर का रही हो? हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये अपन दादागिरी ना, किसी और को दिखाना। पागल नहीं हम? नीचे कर, आंखें नीचे कर, नहीं निकाल के गोटियां खेलेंगे हम। वो का मर्दानगी दिखा रहा है? लो सुपरमैन आ गए हीरोइन को बचावे खातिर। तो लड़की को छेड़ेगा और हम चुप रहेंगे? बड़ा चुपचाप पतली गली से निकल लियो, वरना स्ट्रेचर पे जाओगे। अबे ये धमकी किसी और को देना, हमने भी कौन। अब तुम ही तो जात हो कि नहीं? देख अगर तू यहाँ से नहीं फुटा ना, तो बेटा तू तो गया काम से। चल बोल, निकालना तुम्हारा हार्ट, फेफड़ा, लीवर और किडनी। ऊपर वाले के कहर से डर, अबला नारी को छेड़ता है। क्या बोल रहे? दोबारा बोल। जो बोलना था बोल दिया। लगता है जबान भी काटनी पड़ेगी। देखता हूँ। ए अठन्नी भूल जा, कोई सुपरमैन नहीं बचाएगा तो का। कबूतर जैसे आंखें बंद करो तो का लगता है हम तरस खा के छोड़ देंगे? एक एक पाई वसूल करेंगे हम। कितना चाहिए? तुम्हारी अदा भी ना एकदम कमाल की है। सब लोग दिमाग से सोचते हैं लेकिन तुम पैसों से। अरे सेनोरिटा, अगर तो का पैसों का इतना ही घमंड है तो देख कर रही है, निकालना पैसों की गड्डी। पर फिलहाल हमारे पास कैश नहीं है। तो ठीक है, कल दे देना। और नहीं तो का कल शाम को कॉफी शॉप में आ जाना। अरे अब का कहें लल्लन जी। तीसरी मीटिंग। अगले दिन हमरी परी हमसे मिलने कॉफी शॉप में आई। हेलो, पहली फ्लाइट पकड़ कर आ रहे हैं। आप बस ध्यान रखना कि लड़की के बाल काले, घने, मुलायम होने चाहिए, बस। हाय। अरे बाप रे, पैंट पहनना भूल गई का? शट अप। वैसे काफी हवादार है। कितना? अरे हिसाब तो लगाने दो, कैलकुलेटर समझी हो का? पहन देना। टू कॉफी प्लीज। ओके मैम। तो पहले के 10,000 और इस बार के 6,000। इतनी तो किसी की एक महीने की तनख्वाह हो जाएगी। बढ़िया है। योर ऑर्डर मैम। थैंक यू। वेलकम। शुगर। कोनो बात नहीं, आपने ले लिया है पर थोड़ा ज्यादा डाल दिया है। का मतलब? हम पेट सफाई चूरन की बात कर रहे हैं। हाँ? और पी लिया तो? पूरा पीने के बाद मामला खलास हो जाता है और इंसान के अंदर बाहर के सब द्वार खुल जाते हैं। फिर रूम से बाथरूम, बाथरूम से रूम। इतना असरदार है? 100% बाबा बंगाली के हाथों से बना। हुई गवाही साहब। मैम शुगर। ना जाने कैसे कैसे फ्लेवर में कॉफी आने लगी है, तो टोटल हुई गए 16,000। दे दे। अरे ऐसे कैसे? एक अराउंड फिगर हुआ 20,000। निकालो। हाँ, गिन लो। हुँ।
जरा एक मिनट पकड़ोगी, हम अभी आए। दो मिनट और। हाँ हमको आज यहीं रुकना होगा, तुम घर जाओ। अब उनका कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से सीधे हॉस्पिटल ही जाएंगे। चौथी और आखिरी मुलाकात हुई अस्पताल में। तुम अस्पताल भी पहुँच गए? कौनो आम चूरन नहीं, बाबा बंगाली का चूरन था वो। I'm really very sorry, हमने जानबूझकर नहीं किया था। अब ओ छोड़ो, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पेट साफ हो गया होगा है ना? का कहा? ये पौधा हम तुम्हारे खातिर लाए थे। सच बताएं, हम पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इनके जैसी ही है। अगर कोई ख्याल रखने वाला ना हो तो एक दिन जिंदगी भी मुरझा जाती है। इका रोज पानी देते रहना। Oh God! Oh, I'm really very sorry. हमने जानबूझकर नहीं किया। तुमका अंदर किसने आने दिया? वॉचमैन ने। चलिए जाओ वरना खून पी जाएंगे। अगर कुछ पीना है तो जूस लेकर आओ। अपना ये पौधा पकड़ो और दफा हो जाओ। सुनी, तुम चाहती का हो? जहाँ भी जाते मुंह उठा के पहुँच जाती हो। काहे? पौधा लेके आई हो? तुम्हारे पौधे की तो पौधे को कुछ मत करना, नहीं तो तुम्हारा खून पी जाएंगे। अब ठीक है। पिछले जन्म में चुड़ैल थी। इंसान जाए चूल्हे भाड़ में, मैडम को पौधे की चिंता है। क्या हुआ, सारी हेकड़ी निकल गई जो टेंस हुए बाहर रही हो? जैसे पौधे को पटके है ना, तुमको भी पटक देंगे। कौन सा पौधा है? पीपल, बरगद? हाँ नहीं पता। हाँ, जिसका नाम तक नहीं पता उसकी इतनी चिंता? हे ससुरी तेरी, इसका चकना चूर कर देंगे हम, पत्ते मसल देंगे, चटनी खिलाएंगे कौओं को बाहर। साला जिंदगी झंड कर दिए हैं हमारी, इनको हम छोड़ेंगे ना। मारा का है? हम तुमका नहीं मारते थे, तुम ही का मार देते। मरेगी? आजा, नहीं तो आज हमका मार ही डाला। माय बेबी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चल बा। बैठिए सर, आप चलिए, हम आधे घंटे में पहुंचते हैं। ठीक है। हेलो, डॉक्टर परांजपे बोला था नहीं? डायरेक्टर साहब हैं का? जी हाँ। उनसे कहीं कि हम रास्ता में हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप आ जाइए, मैनेजर आपको पिकअप कर लेंगे। अच्छी बात है। सर आप डॉक्टर हैं का? जी हाँ। दो महीने से थोड़ी थकान महसूस करते हैं, ताकत बढ़ाने के लिए चूरन के अलावा कुछ हो तो हमका बताइए ना प्लीज। हम मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं। तो फिर? दरअसल हमने पीएचडी की है, इसीलिए लोग डॉक्टर कहते हैं। ऐसा भी होता का? जियोलॉजी मतलब? अर्थ साइंस, धरती में मिले वाला खनिज और धातुओं के बारे में हम रिसर्च करते हैं। समझ गए। डॉक्टर साहब आपका पर्स।
से मार दिया। सिर्फ सुनने से ही तुम्हारी हालत पतली हो गई, जरा सोचो देख लेते तो क्या होता, कलेजा मुंह से बाहर आ जाता। और दिलावर का क्या हुआ? लग गई वाट। और खिड़की से नीचे गिरा और फिर सीधे ऊपर, पल में खलास। सब कुछ बता दिए पर ई नहीं बताया कि राजस्थान का है आए। अच्छी खबर ये है कि बीमा कंपनी वाले 2 लाख दे रहे हैं, और बुरी खबर ये है कि रिपेयरिंग में 3 लाख लग जाएंगे। तो 10,000 तुम्हारे पगार से हर महीने काटना शुरू कर देगा। देते हो 8,000 और काटोगे 10,000, हम कहीं नौकरी। टेंशन मत लो, बात सुनो। तुम्हारी गड्डी पर दिलावर सिंह गिरा था, उसके नाम पर 5 लाख का इंश्योरेंस है, और वो राजस्थान का रहने वाला था। क्लेम के पेपर्स हमने तैयार कर लिए हैं। ये 5 लाख रुपए का चेक ले लो, उसकी पत्नी को देकर वहाँ से 1 लाख रुपया लेकर आ जाओ। जानना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान, लाख रुपए हमको काहे देंगे? वो फायदा कराने वाले को 1 लाख भी नहीं देंगे। ऐसा करो, तुम एडवांस ले लो और नई गाड़ी में चले जाओ। वाह जी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। वो दिलावर सिंह के चक्कर में हम कहाँ कहाँ नहीं भटके, भूख प्यास से हाल बेहाल था। नौबत यहाँ तक आ गई कि पानी चुरा कर पीना पड़ा। 2 लच्छे पराठे, 1 पनीर टिक्का मसाला और लस्सी। पराठे पे दबा के मक्खन मारना। और आप? नो फैट, नो ऑयल, नो मसाला। इसके अलावा कुछ है तो लेके आ जा। महादेव, मदद करो, रास्ता दिखाओ। शिवा, बनारसी काका, वो लोग आ गए। हाँ, बस दबे पांव आ ही रहे हैं पीछे से। हमको पार्टी में जाना है, देर हो रही है। हाँ जानते हैं, रात में क्लब जाना, दिन में पार्टियां करना, इसके अलावा करती ही का हो, बिगड़ी हुई शहजादी। गुड इवनिंग सर। सुबह तो विश किया था तुमने, अब फिर से टपक पड़ी। भेजे में बात नहीं उतरती का? कोनो बात नहीं सर, हम इंतजार कर लेंगे। तुम नहीं मानोगी, पिछले 2 महीने से तुम 200 बार आ जा चुकी हो। प्लीज सर। प्लीज बोलने से क्या होगा, एक पार्टी में जाने की बात करत है, एक को चाय पीना है, एक को खून पीना है हमरा। अब का? हेलो सर, जूस तू पी ले, नहा ले। प्लीज कम। थैंक यू। हाय अंकल। हम नहीं, मिस्टर रवि, आपका घर वाकई खूबसूरत है। जी, थैंक यू। जी के कहाँ हैं? वो आउट ऑफ इंडिया हैं, शायद अगले हफ्ते आ जाएं। आइए। हमारी पत्नी। ओह अच्छा, नमस्ते। ये हमरे साली साहब। वासु। पाए लागू। इट्स ओके। अच्छे संस्कार हैं इनके। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बॉबी, व्हाई डोंट यू टेक अ पिक्चर?
बनारसी एक फोटो लो। आइए। इनकी इम्पोर्टेंट फोटो हम ही खींचत हैं। वो इसलिए कि तुम फोटो में नहीं होगे। ए वासु, हैं? कहाँ सर? थोड़ी देर के लिए। कहाँ लाऊं? यहाँ से दफा हो जाएं। हेलो। हेलो। हेलो आंटी। ये हमारी बेटी नेहा। सैंडी तुम जाओ, इका कुमार लो। Are you sure, uncle? 100% sure. तुम्हारे खातिर एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? वो देखो। ये चौपर तुमरा है? या। बहुत प्यारा है। हेलो, या वी आर स्टार्टिंग नाउ। खूबसूरत है। कम? ये सब तुमने हमरे खातिर किया? ये कार्ड देख रही हो? हाँ? ये में इतना पैसा है कि हम तुमरे खातिर चांद भी खरीद सकते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो, कैन आई स्पीक सर? या सर, टुडे इज मीटिंग योर आई एम अ लिटिल बिजी, कैन यू कॉल मी इन द मॉर्निंग? श्योर सर, थैंक्स, बाय सर। या हे नेहा, नेहा लिसन टू मी, नेहा, नेहा, नेहा वेट, नेहा लिसन टू मी। राजस्थान में थोड़ी गड़बड़ हो गई। हमारी जेब से कॉन्डम गिरा और नेहा देखकर भाग गई। अगर तू मेरा बेटा नहीं होता तो यहीं जान से मार देता। तू ना ही जाना था तूने कहा गलती की। तू के बाप के साथ करोड़ों का डील किया था हमने, तो रे पागलपन की वजह से सब मिट्टी में मिल गया। अरे हट यहां से, निकम है। हेलो, हां बोलिए। माफ कीजिए बलवंत जी, हमारे बेटे से भूल हो गई। 24 घंटा का अंदर तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास होगी, हमारा वादा है। सुन, जाके लड़की को ढूंढ। रायता भाई ला दिया, साफ करो, बैठ के अब। अरे देव बाबू, देखो वो तालाब नजर आ रहा है। अरे वो तालाब नहीं, आग का धोखा है। मतलब छलावा, जिंदगी भी छलावा है। उम्मीद बहुत करते मगर हाथ में कुछ नहीं आवत। धोखा अभी एक ही दिन हुआ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हमको भी अक्सर धोखा हो जाता है। और ऊ देखो, लग रहा है ना सचमुच की नेहा चली आवत है। हे देव। अरे हाँ देव, हमका तो लग रहा है दौड़ के आ रही है। अरे हाँ यार, हमका भी ऐसे लागत है। कहीं ये भी तो छलावा नहीं? ये तो सच में नेहा है। उड़ी बाबा, थैंक गॉड, हमका तुम मिल गए। दो दिन से रेगिस्तान में भटक रहे, हमका एक इंसान तक नहीं दिखा। प्लीज हमका घर ले चलो, हम सारा हिसाब चुकता कर देंगे, चूरन का, पौधे का और तुम्हारी गाड़ी का 5,000 रुपया। आई एम सॉरी, आपको तो देखा ही नहीं हमने। और आप कौन? जिम श्यामलाल। जिम श्याम, आप और कौन? नाम नहीं मिला। चंपकलाल। अचानक यहाँ कैसे टपकी? लंबी कहानी है, कल हम यहाँ किसी के साथ चौपर में बैठ के आए थे और उसके बाद उका चकमा देकर भाग निकले। लेकिन यहाँ पर तो ना टैक्सी है ना ऑटो है, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? जानत हो सारी रात इतने बड़े बड़े मच्छर हमारा खून चूस रहे थे। देखो, ठीक है, देखो, आप जानत हो आप कहाँ पे हो? मुंबई से यही कोई 30-40 किलोमीटर दूर। देव,
यहाँ आसपास कोनो होटल नहीं है का? तुम्हारी टैक्सी कहीं दिखाई नहीं दे रही, उका बेच दिए? टैक्सी? उस दिन सर पे चोट लगने के बाद हमारे साथ एक चमत्कार हुआ। पूरे तीन दिन तक हमका होश ही नहीं आया। और फिर चौथे दिन होश आने के बाद जब हम अपनी टैक्सी लेकर निकले तो दो ही आदमी उसमें आके बैठ गए। पहले हमने उन दोनों को छोड़ा, दोनों अंदर गए तो किसी ने एक को गोली मार दी। वो भगवान को प्यारा हुई गवा। और जो दूसरा आदमी था, ध्यान से सुनी, ये हाईलाइट है, बहुत कमाल का, तगड़ा वाला, दौड़ के आके हमारी टैक्सी पे धड़ाम से गिरा। हमारी टैक्सी हुई गई चकनाचूर। बस तब से इधर उधर भटकत है और पैसों के जुगाड़ में लगे हुए। वो हमका टैक्सी ठीक करवानी है ना। नाइस आइडिया। और हमरी इस बर्बादी के पीछे तुम रही हाथ है ऊंटनी। शर्म नहीं आती? यहाँ गाड़ी ढूंढ रही हो? हम पे बैठ जाओ, लिए चलते हैं। पर तुम्हारी कमर टूट गई तो? मैडम जब आप हमारी पूरी की पूरी किस्मत ही फोड़ चुकी हो तो कमर भी तोड़ दो ना। मुंबई जाना चाहती हो? पाकिस्तान पहुँच जाओगी। वो देखो नजदीक ही है। वो जो मोटे मोटे मच्छर काटे थे ना, पाकिस्तान से ही आए थे टोकर डसने। ए मैडम, अच्छी खासी हवेली छोड़ के यहाँ रेगिस्तान में काहे फंस गए? जानबूझ के थोड़ी ना फंसे हैं। ओ, इंसान का इरादा ठीक नहीं था, वो कुछ भी कर सकत रहे। उससे तो बच के आ गई, अब हमसे कौन बचाएगा तुमका? सुनो चंपू, तुम ही हमको मुंबई पहुँचा दो ना। दिक्कत ना हो तो हमारे साथ चलो। कैसे ले जाओगे? कौन सी बड़ी बात है, ये मैडम को लेके जाएंगे और पास के स्टेशन पे ले जाके पटक देंगे और ये वहाँ से मुंबई। कितना आसान लागत है ना, रास्ते में ही तोते उड़ा देगी। अभी छिपकली से पाला ही कहाँ पड़ा तुम्हारा? बड़ा हम भुगत भोगी हैं, अच्छे से जानत है। बाद में मत कहना बताया नहीं। अरे उनको छोड़ो, हमारे साथ चलो। अरे लो, हुई गई शुरुआत। ऊपर उठा, उठा ना। अरे अरे टांगे देख रहे हो चंपकलाल? पहलवानों की भी ऐसी नहीं होती। आजा आजा, दिखा हमका पहलवानी, कुछ चलते हमका। और ये का है अंग्रेजी टोपा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत देखनी है? बाल लोचेंगे हम तुम्हारे, गंदी कर देंगे तुमका। कर तो लड़की है। अगर ये लड़का होती ना तो मां कसम हम इका। अरे अरे छोड़, अरे देव, अरे छोड़ दो, औरत है, अरे छोड़ो चलो। बाप रे बाप, शुक्र है अभी कुंवारी है, वरना कोई मासूम बेमौत मारा जाता। हे जगत के बनाने वाले, बस इससे हमका बचा ले। एकदम सही कहा था देव ने, तीखी मिर्ची हो। ज्वालामुखी है ज्वालामुखी। आपको फुटबॉल खेलना आता है का? हाँ, हम स्कूल में चैंपियन थे। हम अपन स्कूल की टीम के ऑडियंस थे। अच्छा, ये लो। चंपकलाल! अरे 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 चंपू, मार दिया हमारे मासूम दोस्त को। ए, उड़ गए ना तोते, हमने पहले ही कहा था, जरा स्कार्फ दो। नहीं नहीं, हम कहे दे, तुम्हारे पास भी तो है। मारो तुम, स्कार्फ अपना दे, ला जल्दी ला। बहुत महंगा है। ऐसे नहीं मानेगी, स्कार्फ नहीं देगी। अरे क्या कर रहे हो, जाने तो कितना महंगा है। अभी अभी क्या हुआ था बताओ तो? इसने किक मारी और तुम्हारा गोल हो गया। अरे भाया, उनका ड्रेस ऐसे कैसे फट गया? हमने ओकी पट्टी बना ली। पट्टी बना लिया? कौन सा? अच्छा, अगर हम बिजनेसमैन होते ना चंपकलाल, तो ये सारी रेत बेच के माला माल हो जाते। चंपकलाल नाम किसने रख दिया? कहा है कि हमारी अम्मा का नाम चंपा था ना, तो दद्दू हमको बुलाते थे चंपा का लाल, चंपा का लाल। तो बापू ने आसानी के लिए हमारा नाम चंपकलाल ही रख दिया। वैसे एक बात कहें? तुम्हारा नाम भी बहुत चौकस है, देव ने बताया। तुम्हारा नाम नेहा है ना? चलो तुम दोनों आपस में बतियाओ, हम तुमसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अकेले कहाँ जाना है तुम्हें? जब हम तीनों साथ में है तो साथ नहीं जाएंगे, बोलो कहाँ जाना है? बकलोलियों के अलावा इंसान को और भी बहुत से काम होते हैं, वहाँ भी चलोगे का? तुमको पता है तुम्हारी प्रॉब्लम का है? तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसानों के बीच एक चुड़ैल। हाँ, हाँ सही कहना। चंपकलाल तुमका एक मजे की बात बताएं? Why not? ये एक चुड़ैल तो है ही, लेकिन साथ ही एक जहरीली नागिन। Fantastic! अपने जहर से पूरी कायनात को खत्म कर सका था। अरे क्या बात है, जिस दिन कौन सपेरा ये को पकड़ लेगा ना, उस दिन बिस्किट और चॉकलेट बांटे। वो भी कुत्ते वाले। उत्तरी, अरे चंपकलाल, चंपकलाल, ए चंपक, फिर से उड़ गए तोते। इसी तरह पत्थर से मारती रही तो तुम्हारी ड्रेस बिकिनी में बदल जाएगी और हम लाश में बदल जाएंगे। चुड़ैल, ए डायन, बको। अरे शहर काहे जा रही हो, यही किसी बिल में बिच्छू के साथ?
यही तुम्हारी असली जगह है। अरे चंपा को देख, अरे कौन स्कूल हाँ, बस लग रही चलो, है चलो चलो आओ जल्दी, हम भी तो आ रहे हैं। गोदी में लाएगा पर कौन दिख नहीं रहा है। अरे चाबी लगी हुई है। अरे नहीं नहीं, अगर स्टार्ट करते फट गई तो, बस में बम लगा होगा तो। अबे अकल के पैदल, कब से हम एक एटम बम को लेकर घूम रहे हैं और तू डरपोक बस में रखे हुए किसी छोटे मोटे पटाखे से डर रहा है। बावड़ा हो गया का? कुछ भी बकत है, जान बचाने की सोच। अरे वहाँ कोई है। अरे भाई रुक जाओ, लागत है वो हल्का हो रहा है। कलिंगर खुज खुज खुजली वाला, ये अकेला पूरी दुनिया की खुजली मिटा सकता है। चंपक लाल आप कौन? आई एम डॉक्टर खुजलीवाल। ये कैसा नाम है? वो कहा है कि दादा को बहुत खुजली थी मिनिस्टर बनने की, तब से खुजलीवाल हो गए। इका क्या करेंगे? अपन बॉस को लगा। वो कहा है लॉकडाउन का सारी सैलरी खा गया तो हम भी कुछ खिलाएंगे ना। अरे पर इका कैसे खिलाओगे? केक में काफी नुकीला है। डोंट टच इट, ये अगर चुप गया ना तो आने वाली सारी नस्लें छिली हुई पैदा होंगी। दूर ही रहना, इको चोकोबार में डुबा डुबा के मलाई लगा अच्छा। के खिलाऊंगा और इका खाते ही हमरे बॉस का सांस निकल जाएगा। लगी रहा है। अरे देव बाबू लिफ्ट के लिए पूछो ना जल्दी। खुजलीवाल जी क्या हुआ, हमें लिफ्ट मिलेगी कहाँ इस खुशी में? अरे 3 दिन से धूप में भटक रहे हैं। अरे तो हम क्या करें? अच्छा हम लोगन की छोड़ो, जरा वो कमसिन लड़की के बारे में सोचो। लड़की कहाँ है लड़की? अरे इतनी लंबी ऊंटनी खड़ी है तो का दिखाई नहीं दे रही। ओ, तो यहाँ छुपी है, टांगे तो बहुत मजबूत हैं। ये पूरा रेगिस्तान अकेले पार कर जाएगी, अपनी सोचो। मजाक छोड़ो ना यार। अरे जानू यहाँ जानू रेगिस्तान में फूल। वैसे एक बात बताएं, इन्हें भी आपकी तरह पौधों से बहुत प्रेम है। सच्ची? हाय हमारा नाम नेहा है। डॉक्टर खुजलीवाल कहाँ घुस गए? लियो हो ही गई, इकी भी 7:30 शुरू। देखा सिर्फ छूने से ही खड्डे में पहुंच गया। अगर ऐसे कोई खड्डे में गिर गया तो की तो कबर ही बन जाएगी। आप ठीक तो है ना? अभी तो अच्छे हैं पर अंदर ही रहा तो आपको भेड़ी खा जाएंगे। एक्सक्यूज मी, हेल्प कीजिए। हेलो, ये खुजली वाला कलिंगर उठाइए आराम से। मर गया। हम मदद करेंगे। अड्डा लगा, ये बदन पे हमारे गुल बदन का हक है। हमारा कलिंगर लीजिए ना। थैंक यू, चलो अंदर आ जाओ। अंदर जंगल में कोई दंगल नहीं करेगा, समझे? खुजलीवाल जी कहाँ हम आगे बैठ सकते हैं प्लीज? का प्यार से बोलिए ना। हाँ यार, हमसे बोलती तो जिंदगी भर कंधे पे उठा के घूमते। पूरी बस तुम्हारी है, आ जाओ। कम ऑन, थैंक यू। अरे इका उठाएगा चंपकलाल? छोड़िए ना सर, गिरा हुआ आदमी गड्ढे में गिरा, फिर बस से गिरा, आप सीधा कबर में जाएगा, देख लेना। कैसे इंसान हो तू लोग, बेचारे खुजलीवाल जी की मदद तो करो। ठीक है खुजलीवाल जी, आइए ना। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे। ए हीरो, अपन जान बचाना है तो ये लड़की को टपका दो। आई का बोला है? ये आदमी का कहना है कि ये हम सब की मुसीबत को टपका देगा। का? टपका देगा? और नहीं तो का? इसके चक्कर में हमारी वाट लग गई। हमको तो शक है ये लड़की ना ही एलियन है। ये का कह रहे हैं खुजलीवाल जी? कह नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। जब पहली बार टचिंग हुआ तो जमीन में दफन होते होते बच गए, दूसरी बार टचिंग हुआ तो हवा में उड़ा के चारों खाने चित कर दिया। ये खाली देखने में चकाचक है पर अंदर से काली जबान, जिंदगी झंड कर देगी। वो कैसे? एलियन, ये एक मनहूस एलियन है। एकदम करेक्ट, हम भी कब से यही चीख चीख के कह रहे हैं पर ये चंपकलाल नहीं मानता। ये का पाला नहीं पड़ा ना इसलिए, पर तुम्हारे गम को हम ही हजम कर सकते। तुम गलत कहा हो। बिल्कुल सही है, हमको लड़की पे बिल्कुल भरोसा नहीं। अरे 2 मिनट मिलके कैसे जान गए? हम दोनों जो झेल रहे हैं का हमको पूरा यकीन है एलियन है, हम ही का प्रूव कर सकते हैं। देखो कहा खुजली, मच्छर था। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। देखा ये भयानक रेगिस्तान में भी खाना खिलाने वाले मिल गए ना। थोड़ी देर पहले यहाँ कौवा भी काँव काँव नहीं कर रहा था, ये अचानक गांव कैसे बच गया? सही कहा, हमका तो लागत है कि दाल में जरूर कुछ काला है।
रुको, अगर इनके पास चाकू छुरियां हुई तो? अरे ये खुद 56 छुरियां हैं, इनको छुरी की क्या जरूरत? अब देख लो, शक का कौनो इलाज नहीं होता। कोई प्यार से खाना खिला रहा है और तुम इल्जाम लगा रहे हो। डाल दो। अरे खाइए खाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपको कुछ चाहिए? ना बस। धन्यवाद दीदी। तबीयत खुश हो गया। पुदीने की चटनी कमाल की थी। खाना तो बड़ा जानदार था। मजा आएगा। अमरी धन्नो तो लुट गई रे। वजबदा। धन्नो। अमरी धन्नो। बाप रे बाप। मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी। खाना खिलाया और लूट लिया। जब हम कह रहे थे तब तुम क्या कह रहे थे? कि शक का कोनो इलाज नहीं होता। हाँ, अब देखो गाड़ी का पुर्जा पुर्जा ढीला कर दिया। खुजली बाजी की जिंदगी झंड कर गए। बुरा मत मान। इट्स ओके। अब तो तुम्हें हमारी बात पे यकीन हो गया। अरे हम तो कब से कह रहे हैं हमें सबूत की जरूरत नहीं है। हमारी धनों की लुटने की वजह एक ही है। क्या वजह? वो मनहूस, अगर आज ही ना होती ना, सही कहे, तो हमारी धनों नहीं लुटती। सच है। अब क्या करेंगे? कसम खाओ, हमारे साथ कसम खाओ। किस बात का कसम खाना है? कम मुंडी मरोड़ने का। जब बात तब कहो तो माँ कसम कुछ नहीं कहेंगे। पास ही गिरदवाला नाम का एक गांव है, उसमें दिलावर सिंह का परिवार रहते हैं। उसे 5 लाख का चेक देंगे और 1 लाख कैश ले लेंगे। बस उसके बाद रात होते ही हम और चंपकलाल हाथ पर पकड़ेंगे और आप इसकी टांगों को खचा 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 पकड़ेंगे। नहीं नहीं, हमको इन मामलों में नहीं पड़ना है। बस देव, बोलिए रानी साहिबा। तुम कहा गिरदवाला जाना था ना? कहे तुम्हारे बैग में है का? नहीं, यहाँ पे लिखा है। सब फूल ले गई, बचे बस कांटे। देखो का घर कैसे ढूंढेंगे? यहाँ इतने सारे लोग हैं, किसी को पकड़ के पूछ लेंगे। अरे बहन जी, जरा एक मिनट, जरा पूछो दिलावर सिंह का घर कहाँ है? दिलावर सिंह का घर कट्ठे है। खुजली वाल जी, हेल्प करिए ना। कहाँ देख रहे हैं आप? ये कांटा काफी नुकीला लग रहा है। बॉस की खातिर ठीक रहेगा, एक कटीला कांटा चुभते ही हमारा पूरा तनखा ढीला हो जाएगा और बॉस की सिट्टी बिट्टी गुल। चलो चलो, देखते कौन है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो जल्दी, छोड़ेंगे कौन ही। कहो भैया, जरा पूछो तो क्या बात है? क्या हुआ भाई साहब, आप इनको काहे मार रहे हैं? ये पेड़ पौधे हमारे लिए जान से भी प्यारे हैं, बिना पूछे इसने कैसे उखाड़ दिया? ओहो, जौन पौधे को पूछते थे उका उखाड़ दिया। ये सब बोल रहे हैं खुजली वाल को सबक सिखाएंगे। अभी लोग बोल तो ठीक ही रहे हैं, इनको अकल तो है नहीं। हेलो, इन लोग को बोलो कि कुछ ले दे के मामला सुलटाएं। गलती से हमने एक पौधा उखाड़ लिया तो जान ले लेंगे का? जाओ जाके बात करो, तुम्हारी बात समझेंगे। अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो नहीं, पैसे को नहीं चाहिए, हमें इसे मारना है। ये लोग ना ही मानने वाले के 5,000 देंगे। तुम 1 लाख दे दो तब भी ना ही मानेंगे। काहे नहीं लेंगे? तुमने इनका पौधा जो उखाड़ लिया, अब जम के धुलाई होगी। अरे छोटे से पौधे के खातिर किसी की जान ले लोगे? पुलिस को बुलाएंगे ना, चमड़ी उधेड़ देगी। जरा सी बात पे जान लेना चाहते हैं? आप सबको बोला ना कि कुछ ले दे के मामले को रफा दफा करो, सुनने को तैयारी नहीं। पता होता तो पौधा उखाड़ता, छोटी सी बात इन्हें समझ नहीं आती। बुड़बक समझे, अनजान आदमी। बाबू एक पता नहीं, पैसा को नहीं चाहिए, ये आदमी चाहिए। ठीक है, ये जा सकते। देखा, कहे थे ना कुछ नहीं होने देंगे। और एक के बदले तुम फंसोगे। हमारे अपार भाई, छोड़ेंगे कौन? छोड़ेंगे नहीं, बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं मान रहे तो अब क्या करें? करेंगे का, आपने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। और अच्छा, नरक में नहीं जाओगे। और जब तक तुम्हारी ठुकाई होगी, हम अपना जरूरी काम भी निपटा लेंगे। और कौनो रास्ता नहीं। दिलावर सिंह, दिलावर सिंह, दिलावर सिंह, बाबू, ओ दिलावर सिंह। अरे कोई दिलावर सिंह का घर बता दो भाई। क्या चाहते हैं? कहाँ जा रहे हो? मेरी गलती हो गई भाई साहब, सब तेरी बात बार बार कह रहे थे पर हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। तू हमेशा के लिए रहेगी। जब जब उठा चिंकी हमरा पाइट बजा गई है भाई। अरे छोड़ दो, अरे बचा ला रहे, कहाँ खड़े उधर
तक। राम राम। दिलावर सिंह का घर? यही घर है उसका। आप? हम दिलावर के पिता हैं। आप अंदर आइए जी। आइए बैठिए। ये घर का इकलौता सहारा चला गया, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई साहब। घर में छोटे छोटे बच्चे और हम बूढ़ा, कमाने वाला तो बस यही था, रुपया कमाने शहर गया था। कहता था बापू मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन एक दिन ओ की लाश आई साहब, पता नहीं किन पापों की सजा मिली है हमका। आप घबराइए मत अंकल, हम सब आपकी मदद के लिए ही आए हैं। हमसे जो बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। आपके बेटे के लिए हमें भी बहुत दुख हो रहा है। इनसे पैसों के बारे में पूछ लें। तुम देखा तो ना कहा हालत इन लोगों की, कहां से देंगे 1,00,000? खाने के लाले पड़े, 1,00,000 की बात करती है। हम खुद जुगाड़ करेंगे और दे देंगे, नहीं हुआ तो दादाजी से मांग लेंगे, लेकिन यहां इन लोगों का खून नहीं पियेंगे। खुद की नजरों में नहीं गिरना है हमें। इनकी हालत नहीं देखी जाती हमसे। करते हैं कुछ दो भाई। बेटा ये आओ, जाओ खेलो। लारमा टपका तोका भी मिलेगा। पता है हम कितनी मुसीबत में फंस गए थे? सांप बिच्छू किससे पाला नहीं पड़ा। वाह चंपकलाल, कार मिले गई तो कहाँ। सिग्नल आते हमने फोन किया, हमारा चेला गाड़ी ले आया। थैंक गॉड टाइम पे कार आ गई। कमाल कर दिया तुमने, जाओ संभाल। एक मिनट रुक जाइए मैडम। तो बात ऐसी है देव कि यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे 682 नंबर बस स्टॉप है। रोज शाम को 6 बजे वहाँ से शहर के लिए बस निकला था, तो बस स्टॉप तक पैदल चले जाना। अगर आज की बस छूट जाए तो वहीं वेट कर लेना, कल दूसरा आ जाएगा। मतलब हमें यहीं छोड़ दोगे? क्या बोल रहा तू? हमने ठेका लिया है कहाँ? ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि हम बाल बाल बच गए, वरना 2 बार तो ही हमारी जान ले चुकी थी। सॉरी मैडम, बुरा मत मानना। रेगिस्तान में भटकना और दर बदर धक्के खाना ये हमरे बस की बात नहीं है। तू देख कर आ, गाड़ी निकालना। अरे हमको मत रुको, हम नहीं रुकने वाले। अरे भगा भगा, भूल गए का? हम पट्टी बांधे थे। अरे चंपकलाल, अब ऐसे का देख रही हो? का लग रहा वापस आएगा? मौत को कोई गले नहीं लगाता। अब जाके बैग लाओ वरना बस भी निकल जाएगी। तैयार हो जा बेटा, अब सब तुझे ही झेलना है। बस रोक दे। देव क्या हुआ? शाम को बस पकड़ने आए थे तब किसी ने इन्हें चाकू मार दिया। प्लीज इनका हॉस्पिटल ले चलिए। हमने ही मरवाया। वो हमारे सामने ही है। कंफर्म कर।
कंफर्म सर वही है। चेक कर जिंदा है या मर गया। ठीक है सर। एक ही आंखों में कोनो रिएक्शन नहीं। सांस चेक कर। सांस बंद है सर। आसपास कोनो निशान मत छोड़ना। चिंता मत कीजिए सर, किसी को पता नहीं चलेगा। बताइए क्या करें। लाश टिकाने लगा और लड़की को लेके आ। ठीक है सर, लेकर आते हैं। ए ठिकाने लगा। बताओ हमका, किसने भोंका था? बताओ वरना सबको मार देंगे हम। मैंने नहीं मारा। अगर नहीं बताओगे तो भी मारे जाओगे। सामने से वार करने की हिम्मत नहीं है, पीछे से वार करते हो। ये हथियार हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमरे खातिर खिलौना है ये। देख करा मार दो का। हाँ आजा मार और हम ऐसे देखते रहेंगे। मेरी दाँ। अरे जा जा मारो का, जा जा मार। हमका मारने के लिए निकाल रहा है। इस हाथ से कई बेगुनाह की जान ली होगी ना तूने, इसे ही खत्म कर देता हूँ आज। आजा आजा। इन सबका लीडर तू ही है ना, तू ही है ना लीडर। चल बता कौन हमका खंजर भौंका था, नहीं बताएगा? ए, 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 कर रहा है? कर रहा है? नहीं 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 बोल, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा का? सामने से वार करने की हिम्मत नहीं है, पीछे से वार करते हो। अरे भागता का बुजदिल, आना अब मार सामने से। रुक
भाग जा डरपोक कहेगा। वो क्या आने से धरती कांपेगी। उत्तर दिशा की ओर से आएंगे हम सबके रक्षक पंचभूत के स्वामी। चारों ओर बवंडर छा जाएगा। नमः शिवाय। हर ओर आंधी और धुंध होगी। मेघ उनके स्वागत में जोर से बरसेंगे। उनका मुखमंडल बहुत ही तेजस्वी होगा। साक्षात तुम्हारे सामने होंगे जिनके स्पर्श मात्र से ही लोगों का कल्याण होगा। अग्नि अग्नि चाहिए, अग्नि चाहिए। कहां से लाए। से अग्नि ज्वाला प्रकट होगी। उनके छूने से तुम्हें माथे पर रक्त तिलक बनेगा। जिनके दर्शन से जीवन समर जाए, जिन्हें देखकर नन्हे बच्चे मुस्कुराने लग जाए, जिन्हें देखकर मौत भी कांपेगी। स्वामी उसे लेकर आना भुजंगा। स्वामी उसे लेकर आना। स्वामी मिल गए हमें। स्वामी हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए स्वामी। स्वामी जी पहले हमका बचाओ। स्वामी जी हर महादेव। स्वामी आ गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
दिखाई नहीं देता का? सॉरी सॉरी सॉरी। इवक कहाँ है? पालीगांव में कर्नाटक। राजस्थान में तो का कौनो अस्पताल नहीं मिला का? तुम और तुम्हारा दिमाग फिर नई जगह लाके फंसा दिया। कछु करने से पहले सोच भी लिया करो। अजीब सा गांव है, जिसे देखो आके पैरों में पड़ जाता है, देखते ही हाथ जोड़ने लगता है, जय जयकार करते हैं। का है ये सब? दांत का है दिखा रहे हो? का हुआ? गांव वालों को लगे थे तुम्हें भगवान ने भेजा है, भगवान ने भेजा है। हमका? अरे टैक्सी चलाते हैं, बताना था ना। बहुत समझाए पर वो हमारी बात माने तब ना। वो कौन? नमस्कार। हमारे आते ही नौटंकी शुरू कर दिए, बहुत बढ़िया। का बात है? यही है का? ये का गांव वालों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो? जो सत्य है वही का। ये गांव की रक्षा करने के लिए ही तो आपको भेजा गया। हमका जिंदगी में और कौन काम नहीं है का? या ये सब हमारे रिश्तेदार हैं? तो का अंदाजा भी है का रायता फैलाए हो? हमारी अंतरात्मा से निकला हुआ हर शब्द सत्य होता है। तुम्हारी आत्मा के चक्कर में अपनी आत्मा का बंटाधार नहीं करेंगे, जा रहे हैं। बेटे का नाम रख दीजिए चिंटू। बहुत अच्छा नाम है चिंटू। चिंटू चिंटू। अरे अरे सुनो, हमने ऐसे कह दिया था? ऐसे लोगों यार, बड़ा होकर गालियां देगा वो हमें। अरे चुप। राम 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 राम। सब के सब सठियाए हुए हैं, सटकी पड़ी है सबकी। कान खोल के सुन लो, हमको किसी ने नहीं भेजा। आपको ईश्वर ने ही भेजा है। बात हो गई नौटंकी, काफी देर से चुपचाप सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको भगवान ने भेजा है तो जो हम कहेंगे, जैसे ही फूल गिर जाए तो गिर जाएंगे का? हवा चल रही है ना? हवा तो सवेरे से ही चल रही है, किंतु पुष्प अभी गिरे हैं। तुम और तुम्हारे लॉजिक। रुको। हाँ, अगर हम कहें कि यहाँ पानी आ जाए तो का आ जाएगा? संभल के मुन्नी। ये वो लड़की ने कहा, परंतु ढलान तो उस ओर है। अब हमारी भी सटक रही है, एक फाइनल टेस्ट और किया जाए। अगर हमका भगवान ने भेजा है तो ई दीवार अभी गिर जाए। ए, ए, कहा जा दो? हर हर महादेव। ए! का है, हमने दीवार को गिरने के लिए कहा, गिराने के लिए नहीं। हवा ने पुष्प गिराए, बच्ची के हाथों से पानी गिरा, भुजंगा ने दीवार गिरा दी। वो तो केवल माध्यम थे, किंतु आदेश आपका था। आपकी प्रसन्नता वरदान है और क्रोध श्राप है। घोर अंधेरी रात्रि बेला श्री गुरुवर से आज्ञा लेकर उत्तर दक्षिण सब जग छाना आपको पाया, मन हर्षाया स्वामी जी को संग ले आया। हे परमेश्वर जग के ईश्वर, जब मैंने ये दर्शन पाया अपना जीवन धन्य बनाया। कृपा करो हम सब पर स्वामी, आप स्वयं हैं अंतर्यामी। जब जब हम पर संकट आया प्रभु आपने हमें बचाया। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमो नमो। भजामि शंकर भजामि शंकर भजामि शंकर नमो नमो। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमो नमो। नमामि शंकर भजामि शंकर नमो नमो। ओम नमो सिति कंठाय, ओम नमो हर नागा भरणाय, प्रणवाय ढम ढम ढमरुक नादानंदाय, ओम नमो निटलाक्षाय, ओम नमो भस्मांगाय, ओम नमो हिमशैलावरणाय, प्रमदाय धीमि धीमि तांडव केली लोलाय। गुड्डी। हर हर महादेव। आराम से डॉक्टर साहब, ये बच्ची को देखिए ना। कल तक बिल्कुल ठीक थी, आज अचानक बेहोश होकर गिर गई। बुखार कब से है? कल रात से। क्या खिलाए थे? खिचड़ी। सिर्फ खिचड़ी खिलाओगे तो यही होगा ना, पत्तेदार सब्जी खिलाया करो। यहाँ वो सब नहीं मिलता। तुम सबको तो बस बहाना बनाना है। ए चक्री, जी सर। यहाँ आओ।
एक का ब्लड सैंपल लो और बीपी भी चेक करो। ओके। देख का रहे हो, जल्दी आला लेकर आओ। बच्ची का ब्लड सैंपल लेके लैब में भेज दो। ओके सर। ये लोग चाहे जितना कोशिश कर ले पर बच्ची ना ही बचेगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। ना जाने भगवान हम सब के कैसन परीक्षा लेते। अब क्या होगा? रोते बिलखते ओ की लाश को गांव के बाहर ले जाकर दफन कर देंगे। ब्लड सैंपल कहाँ का है? पालीगांव के मेडिकल कैंप का। जीके सर से बात कराइए। किसी भी तरह वो कैंप हटाना पड़ेगा डैड। डीन असिस्टेंट रेडी पर वो डीन नहीं मान रहा। ठीक है, जोरावर को फोन करो, कहना 20 आदमी लेके जाए और कौन हो खून खराब आ रही। अखबारों में ये खबर नहीं आनी चाहिए, ना ही कोई अकाउंट नंबर यूज होना चाहिए, ना ही कोई मोबाइल और ना ही कौन गाड़ी, फैक्स टेलेक्स और ना ही ईमेल, ये सब का इस्तेमाल ना हो। अब एक बार डीन से बात का ही नहीं कर लेते, अगर काम नहीं हुआ तो जोरावर को भेज देंगे। लगत है तुम खबर नहीं पढ़ते। डीन कल शाम को ही मर गया, मैसिव हार्ट अटैक। मुबारक हो, अब से असिस्टेंट डीन का दस्तखत ही काफी है। ईका, मेडिकल कैंप को हटाना है? ये लोग हंगामा कर देंगे। हैंडल करने वाले आ गए हैं। कितना टाइम लगेगा? बस 15 मिनट का काम है। टेंट गाड़ना नहीं है, उखाड़ना है। सर, सलाइन की सारी बोतलें आ चुकी हैं, क्या करना? सारा सामान पैक करो और लगेज को कार में डालो। पर कहे सर? कहे की ऑर्डर आया है। घबराइए मत डॉक्टर साहब, ये बच्ची को देखिए ना। आई एम सॉरी, अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये बच्ची मर चुकी है। क्या? अरे ये सब कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते हैं, तुम काहे परेशान हो रही हो? किसी को मरते नहीं देखा का? जो आता है एक दिन जाता है, और ये तो ज्यादा खुशनसीब थी, 10 साल जी ली। जबकि पिछले साल कितने मरे थे बे? 300। हाँ, पिछले साल 300 मरे, इससे भी छोटे थे। अब ई लाश को सलाइन की क्या जरूरत है? ए, पैकिंग शुरू करो। पत्थरों की दुनिया में जान की कोनो कीमत ना आए, ये सब हमसे और नहीं देखा जा रहा है। गुरुजी, हमका नहीं जीना, हमका इस बेरहम दुनिया में नहीं जीना है। ऊपर यह घर बनाना है का? चलो जल्दी करो, काम छोड़ गए। अरे क्या कर रहे हो, सब उखाड़ो, टाइम नहीं है। Look!
एक भी तंबू उखड़ा या एक भी डॉक्टर गया तो याद रखना ऊ का भी यही अंजाम होगा। चुपचाप काम पे लग जाओ। सब कीड़े मकौड़े हैं, किसी की जान की कौनो कीमत नहीं। भाग रहा था ना, अब भाग जा। अरे उठना, फाड़ के रख दूंगा अगर कोई गया तो। हर हर महादेव। ए, कौन है बे तू? देव नाम है हमारा। अगर यहां रोकने आया है तो चला जा, वरना वो हाल करेंगे कि सात पुश्तें भी पहचान नहीं पाएंगी। नहीं जाएगा आया ना, जो भी इन गरीबों के बीच आएगा उसका हम जान से मार देंगे। मारो स्वामी, मारो इन सबको, जान से मारो, किसी को मत छोड़ना, मार दो सबको, मारो स्वामी, मारो। मार दो स्वामी, मार दो स्वामी, ये सब हैवान है, ये सब ने मासूमों की जान ली है स्वामी, मार दो, मार दो। का बोल रहा था, बोल, चुप काहे हो गए? गले में लाउडस्पीकर लगा है? अरे ससुरा, तुम्हारी बातों में आकर ये भी भूल गए किसे मार रहे हैं, काहे मार रहे हैं? एक सेकंड की भी देरी हो गई होती गर्दन धड़ से अलग हो जाती। शिव 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 शिव। अब सारी चाल समझ में आ रही है हमका। हाँ, तुम यही चाहते हो ना कि हम चने के झाड़ पे चढ़ जाए और इन सबको मारने के बाद सीधे जेल चले जाए। इतने लल्लू नहीं हैं हम। अरे ये तो बावला है, पर तुम तो इका समझा सकते थे ना, लेकिन नहीं, कद्दू मिला तो काटो। अरे भाई साहब, जानबूझ के नहीं किए। अगर तोहरे मुताबिक हमें भगवान ने भेजा है तो हम जान लेने की बजाय बचाते। ये जो बच्ची है ना, ये मर चुकी है। अगर कहें कि इस जिंदा हो जाए तो हो जाएगी? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, स्वामी, बचकर नमः शिवाय। Save our lives and take our pain away. Jai Jai Jai,
swing along and sing the Shiva Shambho all the way. Om Namah Shiva Jai Jai Jai. Heal the world is all we pray. Save our lives and take our pain away. Jai Jai Jai. Swing along and sing the Shiva Shambho all the way. Diya, क्या सच में तुम चमत्कार कर सकते हो? चुप करो, तुम भी पागल हो गई हो का? नहीं, वो आज तक कोई डॉक्टर मुर्दे में जान नहीं फूंक पाया, हम कौन होते हैं? वो बच्ची सिर्फ बेहोश थी, हमारे छूते उठ गई। सब लोगों ने भगवान बोल बोल के हमारा मत्था घुमा रखा है, लगता सर फट जाएगा हमारा। अगर यही हाल रहा ना तो बहुत जल्दी गाँव के लोग चिड़ियाघर में मिलेंगे। अरे सब लोग मिलकर हमारी पूजा करना चाह रहे हैं। अब तो हमको डर लग रहा है नेहा। तो अब इसके बाद तुम क्या करोगे देव? गांव वाले क्या सोच रहे होंगे? सोच रहे होंगे कि जिस इंसान को भगवान ने उनकी मदद के लिए भेजा था वो तो एक नंबर का भगोड़ा निकला, अब बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियां दे रहे होंगे हमको। तो क्या वापस लौट जाएं? अब मन नहीं करता यार। हाँ। क्या हुआ, ठंड लग रही है? तो जैकेट साथ रखना चाहिए ना, नहीं तो एक दुपट्टा या शॉल तो एक लड़की के पास होना ही चाहिए। का पता कब मौसम बदल जाए, निमोनिया भी हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्ची नहीं हो, अगली बार ध्यान रखना। शैतान की नानी करना का चाह रही थी वो का क्या हुआ था मक्खी को? हाँ तो वो का फूंक मार देती ऐसे, किसका ले रही थी? ओ तो ये सब भी करती है का? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, बच गया रे, आज तो हमारी इज्जत ही लूट जाती। वैसे बिल्कुल ठीक कहा है महापुरुषों ने, कलयुग में गंगा उल्टी बहेगी और देखो बह रही है। अच्छा सेनोरिटा, आज तुम्हें हम पे प्यार आया तो करने का मन किया, कल को अगर तुम्हें हम पर गुस्सा आ गया तो तुम तो हमारा शरीर फोड़ दोगी। ये जो पल पल तुम अपने रंग बदलती हो ना क्रिकेट की तरह, इससे हमारी जान को बहुत खतरा है। अब उधर का मेला देख रही हो, हमारी आंखों में देखो। चलो अब बताओ हमका, हम यहाँ चुपचाप सो रहे थे तो अचानक कौन सा कीड़ा काटा जो हमारे इतनी नजदीक आकर हमारी इजाजत के बिना? और कुछ पूछना है तुमका? हम तुमका बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं तुमसे। बलवंत को फोन लगाओ। जी के सर का फोन है। हेलो, सुना है तुम्हारी बेटी कौन टैक्सी ड्राइवर के साथ घूम रही है? ईका कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। सोचो कि अब करना का है, अब वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, हमारे घर की होने वाली बहू है। तो या तो तुम कुछ करो या फिर हम अपना रंग दिखाएं। का हाथ पैर तोड़ के नेहा को ले जा। का कहे? तो का मार के नेहा को लाने को कहा, बोल। अरे तो नेहा को ले जाने के लिए हमारे हाथ पैर काहे तोड़ोगे? सॉरी बोल रहे ना? तुम्हारे सॉरी से हम सब की इज्जत लौट आएगी का? तू नहीं जानता तूने बहुत बड़ी गलती की है, तो का इसकी सजा मिल के रहेगी।
आजकल लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं और आप खून की नदियां बहाना चाहते हो। ले जाइए अपनी बेटी को। अकड़े निकल गई तेरी। देखिए हम आपकी बिटिया को नहीं, आपकी बिटिया ही हमें यहाँ घुमा रही है। तू हमारी बिटिया के साथ प्यार का नाटक करेगा तो का हम तो का जिंदा छोड़ देंगे। का कहे प्यार? ठीक है, चरण जहाँ पड़ते हैं ना वहाँ जलजला आजाद है, तोते उड़ा देती है। बहुत चपर चपर जुबान चल रही है इसकी, काट के फेंक डालो। एक कप चाय तो पीने दो। जल्दी चाय पी के काट डालो। क्या हुआ बे? मुर्दे की तरह वापस आ गए? हॉस्पिटल जा रहे हैं सर। वो का है? बचपन में पहली बार बापू ने मारा था तो दो दांत टूटे थे, बड़े हुए तो लड़की के चक्कर में जबड़ा ही तोड़वा लिए, और बाकी जो आखिरी बचा था वो इसने तोड़ दिया। वो का है कि एक कुछ दांत बड़े हुए थे, उन्हें हमने बिना सुनने के उखाड़ लिया तो बहुत दर्द हुआ होगा। चिंता की कोनो बात नहीं है, दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा। आप मत घबराइए, टिम्बकटू से बड़े बड़े सुरमाओं को बुलाया, वो सब इसका चूरमा बना देंगे। सही कहा, चूजे को मार के खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े डायनासोर भी हैं। अरे जितने भी डायनासोर बुला ले हम सबको धूल चटा दूंगा। अरे आओ जल्दी आओ। तू भी इन्हीं के साथ आया था ना? नहीं साहब। तो यहाँ का कर रहे? हम तो यहाँ काम करते हैं। यही काम करते हैं। का भाव है पेट्रोल का साहब? एक लीटर कितने का है? झूठ बोलता है। साहब हमारे बेटे के सामने हमको मत मारिएगा साहब। बेटे को काहे लाया? घर में कोई नहीं है साहब, इसीलिए इसको साथ लाए हैं। का जरूरत थी? क्या करें साहब, पेट के लिए सब करना पड़ता है। कितना मिलने वाला था? 3,000। सच बोलो? हाँ सही कह रहे हैं, बाकी का 1,000 रख लिया है साहब। इसकी तो गरीबों का पैसा खाता है। नहीं सर, 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 5,000 रुपया मिले सर, बनवारी हमके 4,000 थमा के 1,000 ले गए सर। तू है तुम्हारी जिंदगी पर गधी के बच्चे जो गरीबों के पैसे छीन छीन कर खाता है, कीड़े पड़ेंगे। वहां देख के हम गाली दे रहे हो तो का लग रहा तो? हाँ वैसे शर्म नहीं आती का? खुद तो कोट शर्ट पैंट टाई पहनकर टिप टॉप खड़े हो और हरकतें चमन चिंदी चोरों जैसी कर रहे हो। दिल कर रहा है खूब गालियां दूं, लेकिन नाक ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ी तो नाक ही है ना। शुक्र मनाओ नाक ही पकड़ी है, अगर कौन और होता तो जम के गालियां सुनाता। वो अभी जो दी है उतना काफी नहीं है का? बकवास बंद करो, नेहा को ले जाओ। देव ये क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं, बहुत पी लिया हमारा खून, अब दफा हो जाए इन लोगों के साथ। खंजर का घाव भरा नहीं अब तक। अरे प्रवचन चल रहा है का, ले जाइए ना इसे यहाँ से। तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं पनौती मैया, जाओ चुपचाप जाके कार में बैठ। कार में बैठो बिटिया, बॉडीगार्ड बन गया है तो अलग से बोले। अगली बार टाई में देखे ना तो टाई से ही टेटवा घोंट देंगे। नहीं निकल ले। I hate you. Hate you, देव। सारे डॉक्टर यहां से जा रहे हैं, हम सब मर जाएंगे। एक स्वामी जी का सहारा था लेकिन अब वो भी हमें छोड़ के चले गए। वो हमें छोड़कर नहीं गए, विशेष कार्य से गए जिसमें हम सबकी भलाई है। वो लौट कर आएंगे, अवश्य आएंगे।
अच्छा हुआ आ गए तुम, नहीं आते आज भी ना तो अखबार में इश्तिहार दे देते हम। कहे ना दद्दू, वहाँ फोन के टावर नहीं थे। अरे तो चिट्ठी लिख देते, लिखना भूल गए हो का? चुड़ैल ने छोड़ा तो इन्हें पकड़ा। क्या कहे? कुछ नहीं। अपने बाप पर गए हो, वो भी ऐसा ही था जिद्दी। चलो अंदर आओ। ये कौन है? अरे बाप रे, ये कहाँ से टपक पड़ा? तुम नहीं जानते ही का? ये हमारे खातिर ही आया है। हम कहे ना, हमका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, फिर काहे हमरे पीछे पड़े हुए हो? हमरे चक्कर में बेमौत मरोगे। हमका दो चीज आती है, टैक्सी चलाना और गुंडों को ठोकना। इन दोनों के अलावा कोई हमसे कुछ तीसरी चीज चाहता तो वो खुद ही ठुक जाता है। हमें का खासियत है जो भगवान कह रहे हो? हाँ, जैसे एक बीज के अंदर पूरा पेड़ समाता है, वैसे ही आपके अंदर हम सबकी खुशियां छुपी हुई हैं। तो और कहां जाएंगे स्वामी जी? खुजलीवाल जी, अब तक जिंदा हो? छूना मत मुझे, तू कलंक है दोस्ती पे। हमको अकेला मरने को छोड़ा है। तो क्या जरूरत थी पौधा उखाड़ने की? अरे तो हमको पता था क्या? उजाड़ और पनौती की वजह से हमारी धन लुट गई, कलिंगर तो फटा ही, अब हमारा बॉस हमको तनख्वाह भी नहीं देगा। ऐसा कांटा चुभा है, पूरा बाड़ी छल्ली छल्ली कर दिया हमारा। 700 मील वहां से पैदल चल के ही पहुंचे हैं हम। ये कहा बे, ऐसे शौचालय में बैठा है का? ये कहता है हमको भगवान ने भेजा। क्या बोले? भगवान ने भेजे हैं का? यार हमको लगा था बुद्धि भ्रष्ट हो गई आदमी की। हम भी कब से यही समझे, एक बार टेस्ट करके देखेगा। चलो रोको रोको रोको, तनिक 10 रुपए देना है। 10 रुपए की जरूरत है, दीजिए ना। खाला की शादी में आयो का? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पैसों का पेड़ लगा है। कहा जमाना आ गया, आजकल सूट बूट पहन के भीख मांग रहे हैं। चिरकुट है बे। हम का 10 रुपए देंगे का? छोटा नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक हम है, भीख मांगते मांगते थक गए और 700 किलोमीटर पैदल चले आए, और यहाँ तुमने खाली 10 रुपया मांगा और 100 रुपया मिल गया। हमरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। पल्ले तो हमरे भी नहीं पड़ा, पर एक बात समझ गए कि जब अपने लिए मांगा तो 10 रुपए नहीं मिले, लेकिन जब मन में हमने ये सोचा कि बच्चे की खातिर कुछ मांगे तो 100 रुपए मिल गए। ऊपर वाले की प्लानिंग समझ गया भाई, वो कहीं ऊपर नहीं है, तुमरे हमरे हम सब के अंदर ही है। जब भी कोई सच्चे दिल से पुकारता है, सीना फाड़ के बाहर आ जाते हैं। फिर 100 का लाखों करोड़ों मिलेंगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। भुजंगा देख, तोहरे गांव से हमरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो का बीज में पौधा दिखाई दिया और हमका हमरे अंदर का भगवान दिख गया। चल चलते हैं। शिवा देव कहाँ जा रहा है? अरे क्या हुआ? अरे क्या बात है, कुछ बताओ तो। देव देव, अरे सुनो। अरे बाप रे, 2 मीटर आगे होते तो कचूमर निकल जाता। रास्ता तो बंद हो गया, आप जाएंगे कैसे? यहाँ का चप्पा चप्पा जाना थे, गूगल मैप भी हमसे ही पता पूछत है। अरे अरे अरे, पीछे देख के ठोक तो दे, कुछ बोलो भाई। हाँ उस तरफ। अरे काहे नाराज हो, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो वही डॉक्टर है जो तंबू उखाड़ रहा था। चल पकड़ते हैं। कौन हो तुम लोग? फरिश्ते हैं। का मतलब? पहले ही बताओ, 500 का छुट्टा है? छुट्टी के लिए हमारे को कार्ड स्वाइप करवाएगा या कैश देगा? हम तो कैश रखते ही नहीं। काफी सैर हो गई, अब तुम निकलो, इससे कुछ हिसाब किताब करना है। सुनिए भाई साहब, जा रहे हैं। नाक फूल के तंबूरा हो गई। इनसे हिसाब किताब करके सीधे घर चले जाना। बस यार है, कौवा उड़ गया।
हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमको यहाँ का लाए हो? किसी ऐसी चीज को जानते हो जिसके बजने पर डम डम आवाज आती है? बताओ कम मारेंगे। ये डायलॉग तो कहीं सुने हैं? ओका डमरू कहते हैं, दोनों तरफ से बचता है। अबे इतने उड़ते तीर मत लिया कर, ये तो बस एक डायलॉग था। डायलॉग कोई भी हो, मजा आना चाहिए और जालिमों को सजा भी मिलनी चाहिए। चल बता, तंबू उखाड़ने के लिए काहे का? राजा की गलती की सजा प्यादे को मार के लोगे? ए, यहां सवाल पूछने का हक सिर्फ हमरा है, तू सिर्फ जवाब दे। मेडिकल कैंप को डी ने हटवाया था, इसमें हमारी कोनो गलती नहीं है। बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोलेगा दादी, झूठ बोलेगा मम्मी पापा। हम सच कह रहे हैं, जैसे कुत्ता समझे। एकदम सही बोले काका। अबे नारियल फूटा है, अब इसके बाद क्या करना? हमका भी प्यास लगी है। करना का है, पहले ही मलाईदार नारियल खाओ, फिर डीन को पकड़ के। अरे वो पाव किलो का चूजा नहीं है, 6 फुट का दानव है, हम नहीं ला पाएंगे। गोली वाली मार दिया तो डीन को लाओगे कि नहीं? तुम भी चलो, मुच्छड़ मुस्तैद है। किसी तरह अंदर तो जाना ही होगा। दूध वाला, नौकर, माली, प्लम्बर, ड्राइवर, पानी वाला, अखबार वाला, किसे पकड़े? अंदर कैसे जाए? आप जो भी चाहेंगे वो जरूर होगा स्वामी, बुलाइए, उकाना होगा। वाह, एका आइडिया भी कमाल का है, तो कबाहर ही दबोचते हैं। जरा सुनिए। हाँ, डीन शांति कुमार आप ही हैं? मैं ही हूँ, क्या बात है? हर किसी से सवाल नहीं किया जाता, कभी कभी मान लिया जाता है। ए, ए, इका जमास है, दिन दहाड़े किडनैप कर रहे हैं। अरे पुलिस को फोन लगाओ कोई। का डायलॉग मारे हैं वन टेक में, ओके हो गया। देखने में तो सब लोग सीनियर लगते हो। अरे जूनियर आर्टिस्ट बन जाओ, पर्दे पे आग लगा दोगे। अच्छा वो पुलिस वाला डायलॉग तुम बोले थे? एक नंबर बोले थे, इनके लिए ताली बजाओ भाई। हेलो, हाँ जी बोलिए चंपा जी। अच्छा दो डबिंग आर्टिस्ट भिजवा देंगे। सर बोलो बेटा, किसकी डबिंग करनी है? मरी हुई लाशों का। का मतलब? नहीं समझोगे तुम। ना एक काम करो, मुर्गे का अंडा उबालो और छिलके खा लो। गुड मॉर्निंग सर जी, कितने लकी हैं आप, आज नारियल पानी पीने का नंबर आपका है। अरे मार खा रहे हो, लागत है कम ठुकाई हुई है तेरी, बहुत जबान चल रही है। आज तो कहा मार मार के कद्दू बनाएंगे। सच बोलेगा तो मीठा सेब खिलाएंगे। अरे हम भी एक डॉक्टर हैं, हम कभी एप्पल खिला के अवे कर दो। का कहा एप्पल खिला के अवे कर दे? अबे तो का तो तवे पर फ्राई करेंगे। अरे मत छोड़ो, लेकिन मारो तो मत। ये कुकर में डाल के सीटी दिलवा देंगे। मत्था खराब मत करो हमारा। अरे इसका कौन इलाज ढूंढो यार, तो मार दे। कैंप ये हटवाया। ओए डीन, गांव का मेडिकल कैंप हटाने के लिए लेटर काहे भेजे? उस लेटर को भेजने के लिए जीके ने कहा। अभी जीके कौन है? वो सबसे बड़े माफिया का सबसे बड़ा बाप है। वो कई कॉलेज से का रिश्ता है? वो मेडिकल कॉलेज के बोर्ड मेंबर हैं। तो पहले वाले डीन ने कैंप हटाने से मना कर दिया था, एका डीन बनाने के लिए ऊका टपका दिया। ये बात सच है, जीके के कहने पर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमका डीन बना दिया। अगर हम साइन करने से मना कर देते तो हमका भी मार देते। अबू को भी पकड़ना होगा। अबे कितने लोगों को पकड़ के लाए बे? अब जिसने भी कांड किया है उन्हें अपने कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अरे जब ऊपर जाएगा तब ना, वैसे भी उको यहाँ लाना आसान काम नहीं है। स्वामी कुछ भी कर सकते हैं, इनसे टकराओ मत, ये तो सर्वशक्तिमान है, विनाशकारी, वजूद मिटा देंगे। यार इसकी उम्मीदें तो महंगाई की तरह बढ़ती ही जा रही है। और सुनाओ टोपी मास्टर का हाल है? तो सब अंदर कैसे आ गए? वो गेट तक रिक्शा में आए, गेट बंद था इसलिए कूद कर आ गए। वो क्यों? जी कैसे मिलेंगे और क्या? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं के महाराजा हो, वो एरो गेरो से नहीं मिलते। आप बात कर रहा है, हमसे सवाल कर रहा है, इनको नहीं जानते हो, ये देव है। देव नाम है ना, देवानंद तो नहीं हो जो तुम्हारी खातिरदारी करे। जोक अच्छा मारता है।
अच्छा ठीक है, जीके के बारे में ना ही बताना तो मैं बताओ। ओ के साथ एक जोरावर नाम का आदमी काम करता है, हमका ओ के बारे में तो बता ही सकते हो ना। ओ का बार बुला दो, हम बात करेंगे, चले जाएंगे। प्लीज, हमारी शादी में आए हो, उठ लो नहीं तो हुलिया बिगाड़ देंगे। हमारा हुलिया बिगाड़ेगा? लल्लू समझे हो हमका? यही तुम्हारी कब्र खोद देंगे। प्यार से पूछ रहे हैं, धमकी दे रहे हो। मारेंगे ना, भूख का तमूरा बन जाएगा। छोड़ो देव, मर मर आ जाएगा। चलो चलो, अरे संडे तो छुट्टी पे जाना। तुमने रोक लिया इसका तो आज कोई बात नहीं। अरे भाई कुछ नहीं, अरे प्यार की भाषा समझे थी ना यहाँ मुँह लगता है। हाँ थोड़ी देर में पहुंच। हाँ निकल चुका हूँ, जल्दी पहुंच रहा हूँ। जोरावर एक बहुत जरूरी काम है। ए जोरावर, हमने तो का पहचान लिया जोरावर। अरे हमसे भी बतिया ले। अबे भाग करो। अबे बस रुक जा, कितना भगाएगा बे, सांसें फूल गई हमारी। बस कर यार, रुक जा बेटा, कितनी भी कोशिश कर लियो आसानी से धोखा नहीं जाने देंगे। रुक जा, चल अब रुक जा भाई। ए जोरावर, एक सवाल का जवाब दे दे, चला जा प्लीज यार। अरे सुनना, ओ जोरावर, अबे तू जिंदा भी है मर गया बे? अरे ये पीटी उषा का भाई है, ठीक से बांधा कि नहीं? दरवाजा कमजोर है अपना। तो दिया ससुरा इतना भगाया, इतना भगाया, इतना भगाया इस जोरावर ने कि सारा घोड़ा भी शर्मा जाए। खाली बैठा, थोड़े पैर ही दबा दे यार। जरा जाके इसे पूछी खाता का है। अपनी पूरी लाइफ में हम आज तक कभी इतना नहीं थके। अरे तुम्हारी थकान का इलाज है हमारे पास, अंग प्रत्यंग न फड़क जाए तो कहना। ए भुजंगा, आ जा एक तू भी लगा ले। ये भी अलग ही प्राणी है। ये अंदर थकान बाहर। चीयर्स खजली बाल। देखा था इन दोनों को, कैसे घूरत है। अरे कछुआ झाप डी तक धिना धिन। कॉलेज संभालने के बजाय ये सब करते हो का? हमका लगा था वो पनौती को पेट्रोल पंप पे छोड़ने के बाद हमारी जिंदगी का जलजला खत्म हो जाएगा, पर ये तो ससुरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं कब खत्म होगा यार, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता है, जिंदगी झंड हो गई हमारी। हमें ज्यादा तो नहीं चढ़ गई ना, बात कर ले। ए हमारे सामने बात मत करना, अकेले में करो। काना ससुरी हे नेहा। हेलो। हेलो, सो गए का? फोन काहे किए? तुम्हारी याद आ रही थी। हमका कोनो बात नहीं करना। अरे नहीं नहीं नहीं, फोन मत करना, नहीं नहीं फोन मत करना। बोलो। अरे तो का बताएं यार, जब से तुमने पप्पी लिए नींद ही नहीं आती, काहे उड़ा दी। पहले अच्छे खासे थे, टाइम से सोते थे, टाइम से उठते थे, अब जब पता ही नहीं चलता कब उठ रहे कब सो रहे हैं। हेलो नेहा, देख मूड मत खराब कर, बात कर। एक तो रिचार्ज करा के तुझे फोन किया है और तू उधर से हूं करे जा रही है। तुम्हारे साथ तुम्हारा बाप था, हम का करते भाई, ओ का गला घुट देते का, या ओ के सामने तो ओ का भगा ले जाते। तुम हंस रही है नेहा? बुद्धू। अरे हिंदी की गालियां बहुत सुन ली, इंग्लिश बजे ना। इडियट। हाय, काश ट्रक वाली रात फिर से आ जाए, वो लम्हे के लिए तो जान भी दे सकते हैं। तुम हर बार हमारा दिल तोड़ देते हो, तुम विश्वास के लायक ही नहीं हो। ऐसा काहे बोल रही हो? उस दिन थर्ड में आपका शर्ट भी नहीं दी। नाम लेके बोलना, हम तुम पे विश्वास नहीं कर सकते। अरे यार एक बार तो पुकार। क्या बोल रहे हो देव? हाय रे, बस ऐसे ही प्यार से नाम पुकारते रहो, हम जिंदगी भर तो का प्यार करेंगे, माँ कसम। सच कह रहे हैं। क्या कर रहे हो देव? हम ये चुन्नी लाल में बिगाड़ रहे हैं, चलो बाय। ने
ये जो नया ना एक ही चाल एक बाल एक गाल सब कमाल है। तो क्या एक बात बता, एक रात उन्हें हमें चूम लिया। You mean lip to hot? तब से भाई साहब वो रोज हमारे सपने में आती है। एक दिन हमने बाहों में लिया। बाहों में लेके क्या किया बे? हमने भी पप्पू लेके छोड़ दिया। गंदी बातें सुनेगा? पीछे चल लिया, ना टिकट ली ना पैसा दिया, साला फोकट में मजा लोगे? पर्सनल बात है ना, और पर्सनल बात किसी को नहीं सुननी चाहिए। हम डिनर में धोकर बिरयानी खिलाए कि नहीं, तो कान का नहीं बंद किए? मम्मी ने नहीं बताया? अबे हाथ बंद है तो कान कैसे बंद करें? देख रहे गुजले लाल, राइट, दिमाग का घोड़ा दौड़ा रहा है। वो भी हमारे सामने बहुत चर्बी चढ़ गई है। कोई बात नहीं, अभी उतार दे, बहुत चल रहा है। तो बेटा जोरावर, वो दिन हमको काये मारने आए थे? क्या फोड़ दिया रे? किसी और की सजा हमको काहे दे रहे हो? कौन तो का भेजा था? जी के काहे भेजा था? नेहा के बाप के साथ मिलकर वो एक फैक्ट्री डाला है, और वो फैक्ट्री का जहरीला पानी गांव के तालाब में मिला रहा है। कौन सी फैक्ट्री? हम का जाने, हम एक मामूली गुंडे हैं, हमें मार के कहां मिलेगा? वो दोनों मिलकर चाल चल रहे हैं, गांव वालों को मारना चाहते हैं वो। जितना पहाड़ खोद रहे हैं उतने ही चूहे निकलते जा रहे हैं। सारा नशा को तर दिया। अरे अरे हमारा सर चकरा रहा है यार। कहां अंदर आओ तो भाई। भाभी जी थोड़ा ठंडा पानी पिलाएं। अरे और भाभी जी साथ में एक पटियाला पैक भी बना के लाना। पागल हो क्या? दूसरे के घर शराब और ये सब कहां लगा रखा है? अच्छा चल ठीक है, इसी बहाने हम भी पी लें। हमारे खातिर ठंडा। अरे पैर हटा भाई, महंगा है। दिन दहाड़े लूटने आए हो का? अरे बड़ा खुश नसीब हो। वो का है? देव पधारे। तीन दिन पहले तो ड्राइवर था। हमें भी तीन दिन पहले पता लगा। तीन दिन में कौन सी काया पलट होगी? हमका चूना लगा रहा है का? इनसे पंगा लेने का सोचना भी मत। अच्छा? खड़े खड़े तुम्हें ऐसे गायब कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। भूल भुलैया के कोई नादान पंछी जो गायब हो जाएंगे। अरे चुप रहो यार, छचुंदर के सामने बोलने से कुछ नहीं होगा। अरे ये तो भैंस है, तुम बीन बजा रहे हो। भैंस अब बनारसी जी, हम एक सवाल पूछेंगे आप जवाब देना। बताइए। ओका सुनते ही फट से तो हर ज्ञान चक्षु का द्वार खुल जाएगा। अच्छा ओके, बाद तुम भी हमारे चेले बन जाओगे। खुजली एक पैक बना। का है पंजा कड़ी। गौर से देखो पंजा है। अगर पंजा गाल पर पड़ जाए तो क्या कहते? अब समझा, झापड़ जोंगाल पे पड़ा। और हम कौन हैं? देवता हो। देखा कहा था ना, खुल गया ना क्या ज्ञान का द्वार। उनकी भाषा नहीं समझ पाया, आपकी समझ गया। अबे ऊपर नहीं नीचे टिकाओ, बैठ जाओ। ठीक है बैठो। तो अब तुमको सब कुछ खोलना होगा। ई प्रदर्शन से पत्नी जी को बाहर कीजिए, तुम अंदर जाओ, भीतर जाओ। अबे ढपचू, हम राज खोलने की बात कर रहे हैं, कछु छुपाओगे तो नहीं? नहीं, सब बताओगे ना? ओके ठीक है ओके। नेहा के डैडी और जीके मिलकर का काम करते हैं? का करते हैं सर, वही जो बड़े लोग करते हैं, बिजनेस करते हैं। मन के साफ भले आदमी है हूं। सच बताओ। दोनों बुराई के नाम पे कलंक है, काली छुपाने की हमका पगार मिलत है। अब जरा जीके के लड़के की कुंडली खोलो। वो बहुत ही नेक और अच्छा लड़का है, नेहा से शादी करेगा। शादी नहीं पूरी बर्बादी है, वैसी दरिंदा है वो। नेहा से शादी करके बलवंत सर के पूरे बिजनेस पर कब्जा करना चाहते हैं, पर हम इसमें शामिल नहीं है। अब सच बोलने में काहे मारे? नेहा सिर्फ हमरी है। नेहा से प्यार और हम पे अत्याचार, ये सब काहे? कहा तो था देव है। देव है तो तनिक एक बात बता दीजिए, हमरी तकदीर में दूसरी शादी लिखी है कि नहीं? अबे चिरकुट, यहाँ लोगों की एक नहीं हो रही, तुझे दूसरी शादी की पड़ी है? जीके की पाली गांव में काहे की फैक्ट्री है। Just watch this. Amy, just come here. Behind the plastic glass. Don't worry. It's bulletproof. ये प्लास्टिक हमने तैयार किया है. Scratch proof है. और ये देखो. Fireproof. चक्कर देखो. अरे चखो. लारा, सभी लड़कियों को बुलाओ, हम ये प्लास्टिक का टफनेस चेक करेंगे. ये मीठा का है? काहे की ये शुद्ध गन्ने का बना हुआ है बबुआ। जाओ इसे ले जाके वहीं रख दो। ओके, तो रवि अंकल को आपने ई खातिर चुना, कहे कि वो इंडिया के नंबर वन शुगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, करेक्ट? यू आर रॉन्ग। नंबर टू, तुम्हारे शादी के बाद। तो ई खातिर हमरी शादी करा रहे हैं? और नहीं तो का, उसके पास गन्ना है, हमारे पास फैक्ट्री, दोनों मिलके प्लास्टिक बनाएंगे। कम ऑन, जंप जंप। यस आई लाइक इट।
नेहा से शादी कर लो, लेकिन अपनी शर्तों पे जियो। फैक्ट्री का पता बता। हम नहीं जानते। देख हाथ चल जाएगा हमारा। कुछ भी चलाओ, हम सच में नहीं जानते। नेहा, ए नेहा, रो काहे रही हो? हमारे डैडी हमसे ज्यादा अपने बिजनेस को प्यार करते हैं। अरे मत रो, हम करेंगे प्यार। हा? इतनी सी बात के लिए कोई रोता का? चुप हो जाओ, बस मेकअप खराब हो जाएगा। तो कार्तिक की पसंद है ना, हम कल बना के खिलाएंगे। दिल का बोझ हल्का कर रहे हैं ना? नहीं, दिल हल्का कर रहे हैं। कितनी देर तक करेंगे? अगर तुमने बकलोनिया बंद नहीं की ना, तो कल आलू टिक्की के लिए गर्मा गर्म आलू तुम्ही से चलवाएंगे। सॉरी बेबी, सॉरी मेरे सोना, नहीं हूँ मैं जान। क्या हुआ, क्या चल रहा दिमाग में? जीके की फैक्ट्री का पता चल गया ना, पुलिस को बता देंगे, वो अपना काम करती रहेगी। और का जरूर कुछ गड़बड़ है। जीके का गांव में फैक्ट्री खोलना और उस फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल से गांव के लोगों का मरना, कछु समझ नहीं आ रहा। आखिर जीके गांव वालों को मारना काहे चाहता है? इसलिए मेडिकल कैंप को भी वहां से हटा दिया था। मतलब बनारसी झूठ बोल रहा था? हो सकता है, या फिर वो भी नहीं जानता। देख भाई, हमको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तेरी तो क्या मैडम, मरना है क्या? अब यहाँ से दस। सर आप वहाँ पहुँचिए, हम आधे घंटे में आ जाएंगे। एए! अरे देव, क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुक तो, ये हम सबको भी मरवाना था। जोरावर भाई, हम कभी साथ नहीं चला। सर, वो कमीना हमका अगवा कर लिया था, पर हम कुछ बोले नहीं। हाँ सर, सच कह रहे हैं। तूने मुंह नहीं खोला इसलिए ना ही मारे, वो जिंदा बच गया इसलिए मारे। शराब के साथ सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इट्स अ बैड हैबिट। इस राज के बारे में और कौन जानता है? आखिर तो हमरा पीछा काहे कर रहे हो? ये बता, तू हमका देख के काहे भागी? हम खुद नहीं जानते, लेकिन हम सब जानत हैं। तो का पता था कि डॉक्टर मरने वाला है, यही खातिर तो उस दिन कार में नहीं बैठी। उस दिन जो भी उनके साथ रहता मर जाता। काहे? काहे कि जी के उनको मारना चाहता था, इसलिए। सिर्फ प्लास्टिक की फैक्ट्री की खातिर? प्लास्टिक फैक्ट्री तो सिर्फ एक दिखावा है, पर उसके पीछे एक भयानक राज है। कैसा राज? का इसीलिए वो हमको मारना चाहते हैं? वो लोग तो पूरे गांव को मारना चाहते हैं, तुम का चीज हो। एक करोड़ों अरबों का खेल है, कई एमपीज, मंत्री, ऑफिसर सब इस खेल में शामिल हैं, और उन सब का बॉस है जीके। सारी दुनिया को पता चलने से पहले ही ये लोग एक पूरे गांव को ही खत्म कर देना चाहते हैं। दरअसल ये मामले की शुरुआत राजस्थान के गिरद्वाला गाँव से हुई थी। जैसलमेर से लौटते समय हम और डॉक्टर परांजपे वहाँ ठहरे थे, और वो रात जन्माष्टमी की रात थी। जब श्री कृष्ण भगवान की पालकी निकल रही थी, तो उमे रखी प्रतिमा को देखकर डॉक्टर परांजपे हैरान रह गए। वो चाहते थे उस प्रतिमा की जांच की जाए, और इसमें हमारी मदद की दिलावर सिंह नाम के एक आदमी ने। प्रतिमा को लैब में ले जाकर जब हमने उसकी जांच की, तब जाके हमें इस बात का पता चला कि वो इरिडियम, प्लैटिनम से भी ज्यादा कॉस्टली और हीरे से भी ज्यादा मजबूत, रेयरेस्ट एंड टफेस्ट, वैसे ही धरती पर ना ही मिलत। लागत है लाखों साल पहले कोनो एस्ट्रॉइड के टकराने से ये धरती पर पहुंच गया। इमें एक्सट्रीम टेम्परेचर सहने की अनोखी शक्ति है, यही खातिर का सैटेलाइट में और न्यूक्लियर वॉर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये कोनो और धातु से मिल जाए तो ये दुनिया का बहुत बड़ा करिश्मा हो सकता है। पिछली बार ये मेटल राजस्थान के रेगिस्तान में मिला था। इसके अलावा ये मेटल को हासिल करे खातिर कई और हिस्सा में भी खुदाई भइल है, जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के नागपुर में। सिर्फ एक ही जगह खुदाई नहीं हुई, वो है कर्नाटक का पाली गांव। जिस चीज की पूरी दुनिया में तलाश कर रहे थे, वो मिला भी तो एक छोटे से गांव में। थैंक यू परांजपे, गवर्नमेंट को पता ना लगे, एक का यहीं दफन कर दो,
आखिर ये कैसे मुमकिन है सर? इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, इसे देश के काफी फायदा हो सकेला, हम का बतावे की ही पड़ी। अरे उससे हमें का भैया, हमको का मिलेगा, हम का तो पूरा इरिडियम चाहिए। ये इल्लीगल बा, इल्लीगल को लीगल करना हमरा काम है। एक खातिर हमने सिर्फ कॉपी दी है। हमरा दिमाग मत खराब करो, कल सवेरे तक हमका वो ब्लूप्रिंट चाहिए। लेकिन डॉक्टर परांजपे एक ईमानदार आदमी थे, उन्होंने जीके की बात नहीं मानी। ई बात से नाराज होके जीके ने उनको और दिलावर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। और कौन था उसके साथ? देव नाम के एगो टैक्सी ड्राइवर। का वो जानता है? डॉक्टर के मरे के बाद ही हुआ। अरे जानता है कि नहीं? शायद ना सर। Are you sure? शायद शब्द से हमका नफरत है। उका भी मार दें का? वो लड़का जहां भी मिले जान से मार दो उसको, फालतू में हमरा बीपी बढ़ा रहा है। एक काम कर, वो लड़का को इस शहर से दूर ले जा और उन्हीं दफन कर दे। ओके सर। कभी सोचे 2000 कमाने वाले दिलावर सिंह को अचानक 5 लाख इंश्योरेंस के पैसे कैसे मिल गए? तुम्हारे बॉस ने दिलावर सिंह के सारे पेपर्स रेडी करवा के तुम्हें ही राजस्थान उसके पास काहे भेजा? वो गांव में जिन गुंडों ने तुम पर हमला किया उन नेहा को नहीं तुम्हें ही मारने आए थे। इरिडियम का प्लास्टिक फैक्ट्री से क्या ताल्लुक है? इरिडियम पैक करने के लिए प्लास्टिक चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, वही खातिर ये फैक्ट्री बनाई। और ये तभी हो सकता था जब हम बलवंत से दोस्ती कर पाते, और एक एक ही तरीका था तुम्हारी शादी बलवंत की बेटी के साथ। वो गांव से इरिडियम निकालते वक्त कोई बीच में ना आए, ये खातिर गांव खाली चाहिए। लेकिन जबरदस्ती करते तो सरकार और मीडिया सबको भनक लग जाती, गांव के लोगों को भगाने के लिए उनमें दहशत फैलाना होगा। और एक ही तरीका है, वो गांव का तालाब, और उस तालाब में हम फैक्ट्री से निकला हुआ जहर मिला देंगे। यही पानी लोग पिएंगे और कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे, और गांव खाली होते ही इरिडियम हमरा। जी के वो फैक्ट्री के गंदे पानी को तालाब के पानी में मिलाने लगा, वो गांव के लोग पानी पीकर मरने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव शमशान में बदल गया। उन्हें किसी किस्म की कौनो मदद नहीं मिली, ना ही कोई डॉक्टर आया। कहे कि जी के चाहता था कि पूरा गांव खाली हो जाए, पर तुम आ गए। तो का मारने के बदले जी के ने हमका 50 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। जिस खिलौने से खेलना नहीं आता होगा साथ लेके नहीं घूमते, वरना शिकार बन जाते हैं। घोड़ा दबते ही गोली अंदर और भेजा खोपड़ी से बाहर। अब जीके को दुनिया की कौनो ताकत हमारे हाथों से मरने से नहीं बचा सकती। जाके कह देना जीके को कि बहुत जल्द ओके साइज का ताबूत हम उसके पास लेकर पहुंच रहे हैं। अब वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। अगर वो मर्द है तो ओका पाली आने के लिए कहो। काहे 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 काहे, तुम्हारे हाथ में बंदूक थी और वो भी भरी हुई, शिकार तुम्हारे सामने, फिर भी कैसे बच गया? हम उसे देख के हम घबरा गए थे। लगता है गब्बर सिंह का डायलॉग नहीं सुनी थी, जो डर गया सो मर गया। अब कान खोल के सुनो, अपने सारे आदमियों को पाली पहुंचने के लिए कहो, वो गांव में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ओके सर। चल तो का एक कहानी बताते हैं। एक गांव में अचानक कुछ लोग कीड़े मकौड़ों की तरह मरने लगे। लोगों को लगने लगा गांव में कोनो महामारी फैली है। फिर उन सबको बचाने के लिए कहीं से कोनो मसीहा आ गया, और वो मसीहा ने हमरे किए कराए पर पानी फेर दिया। का नाम है उसका? वो हमारे रक्षक है। तुमका बचा लेगा? गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए ही तो ईश्वर ने उन्हें भेजा है। तुम जैसे पापियों का विनाश करने के लिए वो अवश्य आएंगे। कितनी कब्रें हैं यहाँ? करीब 300 के आसपास होंगी सर। और बचे कितने हैं? गिनती नहीं की सर।
मतलब 500 लोगों के गांव में 300 लोग फुर हो गए और मसीहा कुछ नहीं कर पाया। भविष्यवाणी में यकीन है? तुम अपन भविष्य जानते हो तो जरा बताओ। हमको ये मिट्टी चाहिए और ये का नीचे दबा हुआ इरिडियम भी, और जो भी बीच में आएगा उका हम गर्दन काट देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनम मृत्युर्मोक्षमामृतात् ओम नमः शिवाय। जिस मिट्टी की लालच है उसी मिट्टी में समा जाओगे। आने वाले 15 मिनटों में तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा काल तुम्हारे समीप आ रहा है, वो एक एक करके तुम सबको नरक में पहुंचा देगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे शरीर का त्याग कर देगी। छोटे बालक को देखकर भी तुम भय से कांपने लगोगे। जिन हाथों से तुमने निर्दोषों की हत्या की है वो हाथ कट के गिर जाएंगे और तुम मृत्यु की भीख मांगोगे। चले जाओ, जाओ। ईमा 12 गोलियां हैं और हमरे 50 आदमी भी, जो अकेले 10-10 को मार सकते हैं, और यहां सिर्फ 200 लोग ही बचे हैं। एक छोटे से इलाके में फैला ये छोटा सा गांव है, सब मर जाएंगे और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। और तुम कह रहे हो कि हमका 15 मिनट में नरक पहुंचाओगे? अगर ये बोले हैं तो होगा जी के। चलो अब बचे 199। भुजंगा, भुजंगा, हे भुजंगा, भुजंगा, अब हम सुकून से मर सकते हैं स्वामी जी। हमका भरोसा है कि कोई नहीं मरेगा, कोई भी। मसीहा के आंख में आंसू, तब तो गोली लगने पे खून भी बहेगा। Ah!
आने वाले 15 मिनटों में तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अरे यहां से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इरिडियम लेने आया था। हाँ तो ले जा ना, ले जा ले जा, लेकिन अपनी लाश के साथ ले जाएगा। यहां और कोई नहीं मरना चाहिए, बोल कर पाएगा? अब इसी मिट्टी में मरेगा, यही कब्र बनेगी तोरी। कहां मिलेगा यहां खोद के इरिडियम? हाँ इरिडियम तो का पता हूं कितना कीमती है, उससे हम आधी दुनिया खरीद सकते हैं। वो इतना कीमती है, अरे ये अनपढ़ लोग कहाँ जाने भाई। तुमको पता है इरिडियम सोना से भी कीमती है, इंसान की जान से भी कीमती है का, या तुम्हारे इस कटे हुए हाथ से भी कीमती है? ए जीके, चल एक डील करते हैं। हम तो का पूरा पहाड़ देते हैं, तू के बदले तू अपना हाथ देगा? बोल देगा अपना हाथ तू पहाड़ के बदले? भागता कहाँ है, आज तू नहीं बचेगा जीके। छोटे बालक को देखकर भी तुम भय से कांपने लगोगे। अरे उससे हम तुमको भी हिस्सा दे देंगे। हमको कौनो हिस्सा नहीं चाहिए, बस तू मरे हुओं को जिंदा कर दे। हम तो से वादा करते हैं तो का बख्श देंगे। बोल कर सकता है जिंदा? अरे तुझ जैसे पापी को मारने के लिए हथियार की कौनो जरूरत नहीं, हमरे ही हाथ ही काफी है तो का मृत्यु दंड देने के लिए। जीके अब तू का करेगा? जीके कहां छुप गया बुजदिल? बारा वो एक एक करके तुम सबको नरक में पहुंचा देगा। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। देखो देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। अबे छोड़, माँ मुझे डर लगा था ना, लोगों को मारते वक्त डर कहाँ था, बेरहमी से तड़पा तड़पा के मारा। तू हमें भगवान का भेजा फरिश्ता समझते रहे और हम कुछ नहीं कर पाए। अरे हमारे भुजंगा को भी छीन लिया तूने, मरने से पहले हमें देखता रहा वो, मगर हम उसका बचा नहीं पाए। उसकी आंखों में खुशी थी, खौफ नहीं था, और एक तू है तो गिड़गड़ा रहा है। अरे तू इतना बड़ा जालिम है, हम नहीं जानते थे, अगर जानते तो उस दिन फूल पानी दीवार के बदले अपन ही दुआ मांगते कि तू कुत्ते की मौत मरे। अगर हमका भगवान ने भेजा है तो हम तुम्हारी मौत मांगते हैं, तू तड़प तड़प के मरे। रुद्रकाश राक्षसों का विनाश करके गांव की रक्षा करेगा।
तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे शरीर का त्याग कर देगी। अंततः उस पापी का नाश हो गया। हर पापी सोचता है कि समस्त जगत में उससे शक्तिशाली कोई नहीं है, किंतु दिव्य कथन व्यर्थ नहीं जाता। वीरा, यदि आज इस गांव के लोग जीवित हैं तो वो केवल और केवल आपके कारण। ऐसे आशीर्वाद देके इसे धन्य कीजिए स्वामी। ईश्वर भले हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वो हर समय विद्यमान रहता है। जिस प्रकार आप हैं, आप में एक अद्भुत दैवीय शक्ति है जिस पर हमें पूरी श्रद्धा है। प्रभु, इन आदान बच्ची पर कृपा की वर्षा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव जय जय जय। Heal the world is all we pray. Save our lives and take our pain away. Jai Jai Jai. Swing along and sing the Shiva Shambho all the way.